नमस्कार। यथा हम सभी को विदित है, जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकल्प एवं योग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज इस सप्तदिवसीय व्याख्यानमाला एवं योगाभ्यास के तृतीय दिवस के द्वितीय सत्र में हम सभी थोड़ा सा ऑनलाइन पटल पर उपस्थित हैं। मैं इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों, सभी दर्शकों एवं अन्यान्य जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस सत्र के जो मुख्य वक्ता हैं, बड़े ही हर्ष का विषय है कि जो हमें इस सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे, वे पेशे से एक वरिष्ठ फिजिशियन, एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में, जीवन काल में विभिन्न चिकित्सा से जुड़े उन सभी मान बिंदुओं को स्पर्श किया है जिसके लिए लोग प्रयासरत रहते हैं। जी हाँ, मैं स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर जेपी सिंह सर का। आप अपने जीवन काल में, कार्यकाल में कई संस्थाओं एवं समितियों के, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थाओं के डायरेक्टर रहे, प्रेसिडेंट रहे और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सुल्तानपुर जो प्रखंड है उसके आप प्रेसिडेंट रहे, मेंबर रहे, फिर उसके आप संरक्षक भी रहे और वर्तमान में आप एक जेके मेडिकल एंड डायग्नोसिस सेंटर के डायरेक्टर हैं। और बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमें जो विषय है आज का व्याख्यान का, वो है व्यावहारिक जीवन में योग। इस विषय पर एक किसी MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर से हम सभी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो मैं एक बार पुनः सर का स्वागत करता हूं कि वे हम सभी का आज के विषय व्यावहारिक जीवन में योग विषय पर मार्गदर्शन प्रदान करें। स्वागत है सर, डॉक्टर जेपी सिंह। प्रणाम। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ दुबे जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी सर, सुनाई दे रही है। अच्छा, ठीक। इस बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी हमारे भगनी और बंधु और परम पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, आप सबको हम नमन करते हुए, चरणों में शीश नवाते हुए आज की वार्ता शुरू करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि यह वार्ता एक निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और जो कुछ मेरे में है वो आपके सामने ठीक तरीके से अभिव्यक्त हो। इस अभीप्सा के साथ आज का विषय हम लेते हैं व्यावहारिक जीवन में योग। वर्तमान में मैं वैसे तो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा ही हूँ, लेकिन श्री अरविंद सोसाइटी जो एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है और चिन्मय मिशन वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है, इसमें महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने का सुअवसर मिला है। मित्रों, जब हम योग की बात करते हैं तो योग का पहला मतलब क्या होता है, हम इसको
स्पर्श करने की कोशिश करें। योग का मतलब जोड़, यानी किससे साथ जोड़। योग का मतलब उस परमात्मा के साथ जुड़ना जो हमारा स्रोत है। और यूं कहिए कि पूरा जगत जिसकी अभिव्यक्ति है, जिसका कारण है, वो परमात्मा, उसके साथ जुड़ना। प्रायः हम में से अधिकतर लोग योग का मतलब समझते हैं कुछ एक्सरसाइजेस करना, कुछ आसन करना और उनके जरिए मन को शांत करना और शरीर को स्वस्थ रखना। यह योग की बहुत एक छोटा सा एस्पेक्ट, बहुत ही छोटा सा एस्पेक्ट है। लेकिन योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। भगवद गीता में चार योग की प्रस्तुति है। योग एक समत्व योग, समत्वम योग उच्यते। दूसरा है योगा कर्म कौशलम। दो तो प्राय सब लोग जानते हैं। और तीसरा दुख के संयोग का वियोग ही योग है, अध्याय 6 का 23वां श्लोक। तीसरे को भी कम लोग जानते हैं, लेकिन चौथे को जो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं, वो है अविकम्प योग या ट्रेमरलेस योग। ये भगवद गीता में चार योग का वर्णन है। आज हमारा विषय नहीं है, लेकिन जस्ट बाय द वे हम इसको स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम ले रहे हैं व्यावहारिक जीवन में योग नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में पूर्ण योग। श्री अरविंद जो योगिक भी हैं, योगी भी हैं, दार्शनिक भी हैं, लेखक, कवि, समालोचक, राजनीतिवेत्ता, गुहवेत्ता, आदि सारे गुण उनमें हैं। उन्होंने पूर्ण योग या इंटीग्रल योग या समग्र योग हमारे सामने रखा है। इस समग्र योग की पृष्ठभूमि क्या है, इसको हम थोड़ा सा स्पर्श करते हुए फिर व्यवहार में हम कैसे लाएं, इसको हम देखेंगे। मित्रों, इस पूरे ब्रह्मांड में एक विकास की प्रक्रिया चल रही है, जिसको हम इनर्ट कहते हैं, जिसको हम इनकॉन्शियस कहते हैं, जिसको हम जड़ कहते हैं, मैटर कहते हैं। वो भी वास्तव में चेतना की एक ऐसी अवस्था है जिसको हम सुषुप्ता अवस्था कहते हैं। उसके अंदर भी चेतना होती है और वो चेतना एक प्रेशर डालती है जिसको इंग्लिश में हम लोग नाइसस कहते हैं, NISUS। उसकी वजह से एक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है और वो जड़ से फिर लाइफ का प्रादुर्भाव होता है। और वो लाइफ वनस्पति में देखी जा सकती है, छोटे छोटे जीव जंतुओं में भी अभिव्यक्त होती है, फिर बड़े जीव जंतुओं में अभिव्यक्त होती है, फिर होते होते ये आगे चल के मनुष्य में अभिव्यक्त होती है। मनुष्य में ये मुख्य रूप से जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करता है उसका मन और बुद्धि है, माइंड और इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट जो है और किसी प्राणी में नहीं होता, अगर होता है बहुत ही प्रिमिटिव अवस्था में होता है, लेकिन मनुष्य में ही यह इंटेलेक्ट। अभी तक ये विकास की जो अवस्था आई है मनुष्य के माइंड और इंटेलेक्ट तक पहुंची है, लेकिन विकास यही रुकता नहीं। और ये ध्यान दें, ये विकास की प्रक्रिया स्वतः चल रही है। और यहां तक पहुंचते पहुंचते श्री अरविंद ने बताया कि विकास यही रुकता नहीं। मनुष्य जो इस समय सृष्टि का सिरमौर प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हम कह सकते हैं, लेकिन यही अंतिम नहीं है। श्री अरविंद ने कहा है, योगा की एक बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन दिया है उन्होंने कि चेतना का परिवर्तन, व्हाट इज योगा, चेंज इन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के परिवर्तन जो है वो भी योग होता है। जब हम हमारी प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है जिसमें तमस,
रज और सत्व होता है। विभिन्न मनुष्यों में विभिन्न परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में होता है, और एक समय में कुछ होता है, दूसरे समय में कुछ होता है, ये सब हम जानते हैं। गीता में कहा गया है त्रिगुणमयी प्रकृति। तो अगर हम प्रिडोमिनेंटली तामसिक हैं, उससे हम रजस की तरफ बढ़ते हैं, रजस से सत्व की तरफ बढ़ते हैं, तो ये भी योग है, क्योंकि सत्व जो है शांति का प्रतीक है, और शांति में ही शांति जो है परमात्मा से मिलने की एक प्रीरिक्विजिट है, तो ये भी एक योग। दूसरी चीज, ह्यूमन इज ए मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। मैन एक संक्रमणशील सत्ता है, क्योंकि आज जो हम हैं ये हम कल नहीं रहेंगे, धीरे 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 हमारा परिवर्तन होगा। तो ये इसलिए हम ये समझें कि हम श्रेष्ठतम हैं और जहाँ तक हमें पहुँचना पहुँच चुके, ये गलत है, बल्कि हमें और आगे बढ़ना है। श्री अरविंद और माँ ने साधना करके, पूरी पृथ्वी के लिए साधना करते, मन के ऊपर जो चेतना का स्तर है, जिसको उन्होंने सुपर माइंड कहा है या अतिमानस कहा है, इसके लिए उन्होंने पूरी पृथ्वी के लिए साधना किया है, और इसके तहत उन्होंने अपने शरीर का भी ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण किया है। और वो इसलिए किया है कि पहले व्यक्ति विशेष में जब रूपांतरण हो, तभी दूसरों को हम कह सकते हैं कि रूपांतरित हो सकता है। और ये साधना करके उन्होंने टाइम को स्क्वीज कर दिया है। जो चीज हजारों वर्षों में हो सकती है, वो सैकड़ों और दशकों में संभव है, वशर्ते हम उसकी तरफ मुड़े। इसको कहते हैं कि देयर शुड बी कॉन्शियस इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का सचेतन विकास। ये चेतना का सचेतन विकास जब होता है, तो जो चीजें हजारों वर्षों में हो सकती हैं, वो सैकड़ों वर्षों में संभव हैं। इसीलिए कहते हैं कि ऋषियों मुनियों ने अपनी साधना से टाइम को स्क्यूज कर दिया है, स्क्वीज करके ये जो ज्यादा समय होता है वो कम समय हो सकता है। इसलिए कहते हैं इट इज आवर ऑफ गॉड। ये ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, जिसमें हम आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ने के लिए अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो हमारी उपलब्धियां ज्यादा होंगी, और अन्य समयों में ज्यादा प्रयास करने पे उपलब्धियां थोड़ी होंगी। इसलिए इसको आवर ऑफ गॉड या ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त का केवल मतलब यही नहीं होता कि सवेरे का जो समय होता है 3-4 बजे का जो हम लोग कहते हैं, केवल वही नहीं, बल्कि टोटलिटी में ये समय जो है ये ब्रह्म मुहूर्त का है, जो आध्यात्मिकता के लिए या भगवान से जुड़ने के लिए एक बड़ा कंजीनियल अवसर है। मित्रों, श्री अरविंद के योग को पूर्ण योग कहते हैं, उसको समर्पण योग भी कहते हैं, उसको अध्यात्म योग भी कहते हैं। और इस योग की विशेषता क्या है, इसमें समर्पण मुख्य बिंदु है। और समर्पण, अगर हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो धीरे 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 हमारे जीवन की सारी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। और वास्तव में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें खुद पता लगता है कि वास्तव में योग में भगवान ही साधन है, भगवान ही साधना है, या भगवती शक्ति ही साधन है, भगवती शक्ति ही साधना है। ये हमें जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है। इस भाव को अगर हम समझें, तो हमारा समर्पण सिंस वेरी बिगिनिंग होना चाहिए। और समर्पण का मतलब क्या होता है, माँ ने बड़ी प्यारी डेफिनेशन दी थी, आप में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। इट इज डिसीजन टेकन टू हैंड ओवर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ टू द डिवाइन। परमात्मा, और परमात्मा से भाव हमारा क्या है, परमात्मा के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं, लेकिन एक चीज जो सर्वमान्य हो सकता है वो ये है कि वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वकालिक है। ये
परमात्मा के बारे में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। देव की उसको डिफाइन करने का मतलब टू डिफाइन गॉड इज टू डिफाई गॉड। डिफाइन गॉड, परमात्मा को डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन बुद्ध से समझने के लिए कुछ एक मापदंड तो लेने ही पड़ते। तो ये समर्पण, वो कहते हैं कि हम कार्य करें लेकिन वो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरे भगवान को समर्पित कर दें, भगवान को दे दें, तो ये हमारा समर्पण होता है। आमतौर से हम एक अज्ञान की दशा में होते हैं जिसमें हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, हम कार्य क्यों करते हैं आदि आदि चीजें हम ठीक से समझते नहीं। लेकिन अगर हम भगवान की तरफ उन्मुख होते हैं और हमारी अज्ञानमय प्रकृति ये कार्य करती रहती है तो भगवती शक्ति हमारे अहंकार से वो कार्य करवाती है कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, ये मेरी उपलब्धि है, ये अहंकार से करवाती है। श्री अरविंद कहते हैं ईगो इज हेल्पर, ईगो इज बार। शुरू में तो अहंकार की जरूरत होती है, लेकिन अगर अहंकार को ही पकड़े रहते हम और अहंकार के पीछे ही पड़े रहते हैं तो फिर हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एक स्टेज तक अहंकार की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके बाद अहंकार को छोड़ना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि जब हमारी निम्न प्रकृति सक्रिय है, अज्ञान की अवस्था में है, उस समय भगवती शक्ति अहंकार के जरिए सब काम कराती है और उस समय हमारा जो अभ्यास होता है वो त्रिविध होता है। श्री अरविंद ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, एक कलेक्शन है जिसको माता पुस्तक कहते हैं। आप लोग जो मिले उसको जरूर पढ़िएगा, पूरे अपने में एक साधना है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि तीन तरह के अभ्यास की जरूरत होती है। पहला होता अभीप्सा, दूसरा होता त्याग और तीसरा होता है समर्पण। अभीप्सा का मतलब क्या हुआ? अभीप्सा का मतलब एक ऐसी चाहत जिसमें हम भगवान के प्रति मिलने के लिए हमेशा इच्छुक रहें। अभीप्सा भी एक तरह से कामना है, लेकिन भौतिक विषयों की कामना नहीं, एक जागतिक कामना नहीं, बल्कि भगवान से मिलने की, भगवान की तरफ उन्मुख होने की एक जो ललक होती है उसको अभीप्सा या इंग्लिश में एस्पिरेशन कहते हैं। ये अगर हम चाहें तो हर समय हर कार्य करते समय कर सकते हैं, करना चाहिए। ये अगर हम करते हैं तो भगवान का स्मरण हमेशा बना रहता है। इस समर्पण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, ये हमें करना ही चाहिए। अगर हम टीचर हैं तो बच्चों को पढ़ाते समय हमें ध्यान रहना चाहिए कि हम बच्चों के लिए नहीं भगवान के लिए कार्य करें, हम इनके जरिए भगवान की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। अगर हमारी पत्नी है, हमारी बेटा है, हमारी बेटी है तो उनको हम प्यार करते हैं, लेकिन हम प्यार क्यों करें? हाड़ मांस के पुतले हैं? नहीं, बल्कि भगवान की अभिव्यक्ति है। इस भाव से उनमें भगवत्ता को देखें तो इस तरह से हमारा, हमारी जो अभीप्सा है वो भगवान की तरफ होती है, भगवान के प्रति एक चाहत बनती है। तो ये अज्ञान की अवस्था में पहला बिंदु है कि हमारी अभीप्सा भगवान के लिए होनी चाहिए, चाहना भगवान के लिए होनी चाहिए। ये हर समय कर सकते हैं, इसके लिए कोई समय ऐसा नहीं अवरोधक है कि इसको हम न कर सके, बशर्ते हम इसकी तरफ उन्मुख। दूसरा त्याग, जिसको कहते हैं त्याग। त्याग में क्या है? रिजेक्शन। आमतौर से हमारा जो अंतःकरण होता है वो बहुत सारे दुष्प्रवृत्तियों से भरा होता है, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अहंकार है, अभिमान है, मान अपमान की चाहना है आदि आदि हमारे अंदर भरे रहते हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ वेद में, ये वेदांत में अंतःकरण चतुष्टय की बात कही गई है। अंतःकरण चतुष्टय का मतलब हुआ कि अंतःकरण, जिसको हम इनर इक्विपमेंट कहते हैं, उसमें चार कंपोनेंट होते हैं।
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हम आपको जस्ट स्मरण करा रहे हैं, आप सब सामर्थ्यवान बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन फिर भी चीजों को स्मरण कराने से शास्त्र सुचिंतित पुनः पुनः देखें, इसलिए मैं आपके सामने इसको रख रहा हूं। मन, जिस एक वृत्तियों का प्रवाह मन कहते हैं, जिसमें संकल्प विकल्प होता है, ये करें कि ना करें, ये मन का गुण है। दूसरा बुद्धि, जो निश्चयात्मिकता वृत्ति का द्योतक है, जिसमें विवेक होता है कि वो निश्चय करती है कि हमें ये काम करना चाहिए। और तीसरा चित्त, चित्त का मतलब होता है कि स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, हमारी याददाश्तों का एक स्टोर हाउस होता है। और चौथा होता है अहंकार, ईगो, कि मैं ये ये सब मन बुद्धि चित्त किसके हैं, मेरे हैं, ऐसा हम कहते हैं, मैं मेरापन, तू तेरापन, ये सब अहंकार है। तो अंतःकरण चतुष्ट अगर हम ऑब्जर्व करें, हम एक दृष्टा के भाव से देखें, तो हमें पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी गंदगियां भरी हुई है, लेकिन हर समय हमें इनका त्याग करना चाहिए, त्याग करने का प्रयास करना चाहिए, रिजेक्शन करना चाहिए। जैसे बहुत सारे, कोई ऐसा नहीं जिसको क्रोध ना आता हो, जिसको लालच ना हो, जिसको मोह ना हो, जिसको मद ना हो, जिसको मत्सर ना हो, ईर्ष्या ना हो, ये सब हमारे अंदर भरी रहती है। लेकिन जब ये वृत्तियां आती हैं, तो हमें उस समय थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमें क्रोध को रोकना चाहिए, क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम इसका अभ्यास करें, लोभ पे कंट्रोल करना चाहिए, तो ये प्रक्रिया हमारी 24 घंटा चल सकती है। अगर इनका हम त्याग करते रहे, दैट इज व्हाट वी कॉल रिजेक्शन, त्याग, ये निम्न प्रकृति के गुण होते हैं, इनका हमें धीरे 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 त्याग, हर समय त्याग करने का अभ्यास करना चाहिए। अगर ये होता है तो हमारा मन अंतःकरण निर्मल होता है, और निर्मल अंतःकरण में ही परमात्मा का प्रकाश झलकता है, जैसे सूरज है या चंद्रमा है। अगर हम पानी रखते हैं और उस पानी बिल्कुल स्थिर है, ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें सूरज का या चंद्रमा का प्रकाश बिल्कुल वैसे दिखाई पड़ेगा। और अगर उसे खिला दें, ऐसे मिट्टी डाल दें, तो चंद्रमा सूरज तो बदलता नहीं है, लेकिन उसका प्रकाश जो दिखाई पड़ता है वो डिस्टर्ब्ड दिखाई पड़ता है, वो गंदा दिखाई पड़ता है, या नहीं भी दिखाई पड़ सकता। ठीक इसी तरह से हमारे अंतःकरण में जब ये गंदगियां भरी रहती हैं, तो हमें जो हमारा रियल नेचर है, जो रियल नेचर हमारा एसेंस है, आत्मा है, परमात्मा है, वो नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए सतत इसका प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर जो गंदगियां भरी हैं, इनको दूर करते रहे, करते रहे, करते रहे, कि जीवन के हर क्षण हम इसको कर सकते हैं, करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि व्यवहारिक जीवन में पूर्ण योग इसके लिए नहीं है कि हम जाकर के कहीं पे आसन प्राणायाम करें, वो एक अलग बात है। आसन प्राणायाम हर क्षण हर समय नहीं कर सकते, लेकिन इन वृत्तियों का धीरे धीरे करके हम प्रयास कर सकते हैं और करना चाहिए। तो दो हो गया, अभीप्सा, भगवान के प्रति उन्मुख होने की ललक, दूसरा निम्न प्रकृति का त्याग, और तीसरा जिसका हमने थोड़ा सा संकेत किया, समर्पण। समर्पण में अगर हम भगवान को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, नथिंग लाइक पर, अगर ये समर्पण पूरा ना होकर के आधा भी हो जाए, तो भी जो प्रकृति माता है, जो डिवाइन की पावर है, डिवाइन का कर्मांग है, वो जब हमारे योग की या भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लेती है, तो उन्नत से उन्नत प्राणायाम, उन्नत से उन्नत आसन, ये सब चीजें उसके सामने बहुत फीकी हो जाती है, क्योंकि उनकी शक्ति हमारे वैयक्तिक शक्ति से बहुत ज्यादा होती है। ध्यान रहे, हम लोग कुछ योग करते हैं, आसन बैठते हैं या और भी एक्सरसाइजेस करते हैं, वो हमारी शारीरिक
क्षमताओं या अक्षमताओं से गवर्न होती है। अगर हमारे पास एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से गठिया है तो हम सब आसन नहीं कर सकते, उसके लिए विशेष आसन ही हम कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी जिम्मेदारी, हमारा समर्पण उस भगवती शक्ति के प्रति हो जाता है तो सब कुछ वही करते हैं। उनके लिए चाहे कोई किसी के पास गठिया हो, चाहे किसी के पास एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो हमको भगवान से या अपनी शक्ति से जोड़ती है, समर्पण। लेकिन समर्पण की ये बहुत ही एक सिंसियरिटीज के साथ होना चाहिए। समर्पण का एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। कई बार हम कुछ भाग समर्पित करते हैं, कुछ भाग में हमारा स्वार्थ अड़े आता है। एक कहानी टैगोर कहते थे, शायद मैं थोड़ा सा उसका अंश बताता हूँ आपको। एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि सोचा कि हम चलते हैं भगवान से कुछ भिक्षा मांगते हैं। वो गए, अपने झोली में थोड़ा चावल रख लिया, और जब आगे बढ़े तो उस समय देखा कि भगवान सोने के रथ पे खुद ही चढ़ करके चले आ रहे हैं। बड़े खुश हुए वो और कहा कि अरे आह, भगवान तो आज मिल गए, हमारे सामने ही आ रहे हैं। ये सोच ही रहे थे तब तक भगवान उनके नजदीक आ गए। उन्होंने सोचा कि भगवान से अभी मैं मांग लूंगा, क्योंकि वो तो सब कुछ दे सकते हैं। तो लेकिन ये सोच ही रहे थे तब तक भगवान ने अपना हाथ बढ़ा दिया उनके सामने। तो मन में खिन्न होते हुए कहा कि मैं तो इनसे चला था मांगने, ये तो हमसे भी बड़ी मांगता बने, अब मैं क्या करूं। तो अपने झोली में से एक चावल निकाल करके भगवान के हाथ में रख दिया, और इसके बाद भगवान अपने रास्ते को अपने रास्ते चलने लगे। इस पे क्या हुआ कि मन में कुढ़ते हुए घर चले जा रहे थे कि क्या बताऊं, मैं कुछ मांग भी नहीं पाए और हमारा जो चावल था उसमें एक कम भी हो गया। देखिए हमारी कितनी जो है छोटी सोच समझ होती है कि देना कितना फायदा होता है, समर्पण कितना फायदा होता है, आत्मदान कितना फायदा करता है, वो उनको बाद में समझ में आया। जब घर पहुंचे, अपनी धर्मपत्नी से कहा भाई हमें कुछ मिला तो है नहीं, एक चावल कम हो गया। तो चावल की झोली उन्होंने जब पलटा तो एक चावल सोने का हो गया था। उनको समझ में आ गया कि काश मैं पूरा चावल भगवान को दे दिया होता तो सारे के सारे चावल सोने हो गए। जीवन की यही कठिनाई है, हम भगवान को कुछ नहीं देते, हम भगवान से हर चीज मांगना चाहते हैं, लेकिन इस समर्पण में जो तीसरा इसका कंपोनेंट है, इस योग का समर्पण, वो इतना महत्वपूर्ण है कि आप जब भगवान को देते हैं तो भगवान कई गुना आपको वापस करते हैं। एक अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक घेलवा शब्द होता है, घेलवा, आप में बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के ही होंगे वहाँ पे, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के होंगे, महाराज जी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के, वो भी घेलवा समझते हैं कि जब हम मूली या कोई इस तरह का सामान दुकानदार के यहाँ खरीदने जाते हैं, 25-30-40-50 रुपये का सामान खरीदा या सब्जी खरीदी, तो कहते हैं भाई देखो एक मूली हमको घेलवा में दे दीजिए, कि उसका हम पैसा नहीं देंगे, इतना हमने सामान खरीदा। ठीक इसी तरह से जब भगवान को हम समर्पित करते हैं तो जो हमारी आवश्यकता है, ध्यान रहे जो हम चाहते हैं वो नहीं, जो हमारी आवश्यकता है उसको भगवान तो देते ही है। और प्रेम एक तरह से बोनस में या घेलवा में भगवान का हमें मिलता है, इस समर्पण की ब्यूटी है। लेकिन हम इसको समझते नहीं, हम तो ये समझते हैं कि जो हम कार्य करें उसका जो परिणाम मिले वो मेरा है, भगवान का नहीं है या और किसी का नहीं है। तो हमारी संकीर्णता जब दूर होती है तो भगवान के प्रति हमारा समर्पण भी बढ़ता है। इसको हम हर क्षण करते हैं, ये व्यवहार में ला सकते हैं। आज का विषय है
व्यावहारिक जीवन में पूर्ण योग। श्री अरविंद का एक ग्रंथ है सिंथेसिस ऑफ योगा, योग समग्र योग कहते हैं उसको, उसका पहला चैप्टर है जीवन और योग, और उसकी लास्ट लाइन है सारा जीवन ही योग है। कैसे सारा जीवन? अगर हम कॉन्शियस हो जाए, सचेतन हो जाए, तो निश्चित रूप से हम हर समय भगवान से जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में ये योग चल रहा है, ये विकास की प्रक्रिया एक योग है। बस हमें कॉन्शियस होना है, ये तो होना है। अतिमानस का अवतरण हो चुका है और अतिमानस की पूरी तरह से अभिव्यक्त होनी अवश्यंभावी है, लेकिन हम इसमें सचेतन रूप से अगर सहयोगी बन सकते हैं भगवान की तरफ, भगवती शक्ति की तरफ उन्मुख होकर के, तो निश्चित रूप से यह प्रक्रिया त्वरित हो जाएगी। लेकिन मित्रों, हमारे जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, जीवन में बहुत सारी पर्सनैलिटीज है हमारी। अगर हमें आगे बढ़ना है, भगवान की तरफ आगे बढ़ना है ही नहीं, अगर ठीक तरह तरीके से हमारा भौतिक उन्नयन होना है, तो उसके लिए समन्वय, जीवन में हार्मनी, सामंजस्य की आवश्यकता है। हमारे जीवन में सामंजस्य की प्रायः कमी है, और पूरे विश्व की घटनाओं को देखें तो दिक्कतें कहाँ हैं? जहां पे सामंजस्य का अभाव है। वी आर लिविंग इन सेटल्ड एनार्की ऑफ एस्टैब्लिश्ड थिंग्स। थिंग्स तो एस्टैब्लिश है, लेकिन उसमें एनार्की है, जो जहां होना चाहिए वहां पे ना होकर के दूसरी जगह है। इसलिए विश्व में गड़बड़ी है, आतंकवादियों के पास शक्ति है, बहुत शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का वो क्या करते हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, अहम के पोषण के लिए कह रहे हैं। बड़े बड़े राष्ट्रों के पास बड़ी शक्ति है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? वो अपने अहम के पोषण के लिए, ईगो सेंट्रिक एटीट्यूड को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। इसलिए विश्व में सामंजस्य की कमी है। एक बड़ा प्यारी कहानी है, हो सकता आपने सुनी हो कुछ लोगों ने, यूनान या ग्रीक की कहानी है। उसमें एक छोटे गरीब पंडित जी रहते थे, उनके गांव में एक देवी जी थी, उनका बड़ा समर्पण देवी जी के प्रति था, और देवी जी की रोज पूजा करते थे। ध्यान रहे, पूजा भी हम करते हैं, लेकिन हमारा समर्पण पूरा नहीं होता, क्योंकि समर्पण में हम स्वार्थगत बातें करते हैं, लोक संग्रह की बातें नहीं करते, राष्ट्र की बातें नहीं करते, विश्व की बातें नहीं करते। हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिलता भी है, लेकिन वो संकीर्णता से हमारी व्यापकता जो है ढक जाती है। हमें व्यापक होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, वो पंडित जी बड़े समर्पित भाव से उस देवी जी की पूजा करते थे। देवी जी एक दिन खुश हुई और उन्होंने कहा, तुम बेटा एक बार मांग लो, चाहे जो भी मांग लो वो मैं दे दूंगी। देवी जी सक्षम थी, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम पता करके बताएंगे। वो अपने घर आए, उनके सामने तीन समस्याएं थी। उनकी माँ अंधी थी, उनके कोई संतान नहीं थी, और तीसरा परिवार में गरीबी थी। 3.5 लोग भी नहीं, 3 लोग ही थे, माँ, बेटा और बहू, 3 लोग थे। माँ के पास गए, उन्होंने अपनी बात बताई कि माँ मैं तेरी आंख मांग लूं? तो माँ ने कहा बेटा मेरा तो हो चुका है, अरे तू एक संतान मांग ले, एक बच्चा मांग ले। पत्नी के पास गया, पत्नी ने कहा कि संतान मांग लोगे? अभी 3 लोगों में खाने के लिए है नहीं, 3.5 हो जाएंगे, तो कैसे हमारी रोजी रोटी चलेगी? ऐसा करो कि ये मांग लो कि ये हमारी गरीबी खत्म हो जाए। देखो, 3 के 3 में स्वार्थांधता नहीं थी, 3 में एक त्याग था।
कि मेरी वैयक्तिक उपलब्धि के बजाय परिवार की उपलब्धि हो, मेरे संतान ना हो लेकिन हमारी गरीबी दूर हो जाए। मां कहती है आंख मिले या ना मिले लेकिन पूरा परिवार संपन्न हो जाए। देखिए सोच कितनी व्यापक थी। अब उस पंडित के सामने एक समस्या थी कि क्या करे कि मां एक काम कहती, पत्नी दूसरा काम कहती, गरीबी अपनी जगह है। तो रात भर सो नहीं पाया और ये भी था कि एक ही वरदान मांगना है, मैं कौन सा मांगू, वो कोई भी मांग सकता था लेकिन वो परेशान था। उसका एक दोस्त थोड़ा विवेकी था, मैंने बताया था अंतःकरण में दूसरा एस्पेक्ट जो होता बुद्धि का जिसमें विवेक होता है, तो उस विवेकवान मित्र ने जब उनकी आंखों को देखा तो आंखें लाल है, सूजी हुई है, पूछा मित्र क्यों परेशान नजर आ रहे हो। अपनी व्यथा उन्होंने बताई कि मैं क्या बताऊं, हमारे सामने तीन समस्याएं हैं लेकिन हमको एक ही समस्या का समाधान चाहिए और इसमें से किसको हम प्रायोरिटी पे रखें ये समझ में नहीं आ रहा। तो उनके मित्र ने कहा अरे इट इज सो इजी, अरे जाओ देवी जी से कहो, बड़ी प्यारी बात है, आपने बहुत लोगों ने सुनी होगी, बड़ी प्यारी बात है। उन्होंने कहा कि देवी जी से जाके कहो कि मेरी माँ अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती, यही एक वरदान दे दो। देखिए जीवन का सामंजस्य क्या है कि एक ही बात में एक है साधे सब सत, तीन के तीनों आ गया, जीवन का सामंजस्य यही होता है। हम अपने आप को देखें कि किसी क्षेत्र में हम बहुत व्यापक तरीके से बढ़ते हैं, चाहे बौद्धिक क्षेत्र में हो, चाहे बल के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे टीचिंग के क्षेत्र में हो, हम बहुत बढ़ते हैं लेकिन हमारे दूसरे तीसरे पर्सनैलिटीज जो है उसमें ये दिक्कतें होती हैं क्योंकि हमारे जीवन में सामंजस्य नहीं होता। मित्रों एक और घटना बताता हूं, थोड़ा विनोदपूर्ण है कि एक महात्मा जी बता रहे थे, वे भी सामंजस्य का लेख, एक पुलिस ऑफिसर थे। वो जिस शहर में जाते थे तबादला होता था तो जितने दुष्प्रवृत्ति के लोग होते थे उनकी हनक ऐसी रहती थी, उनका भय ऐसा रहता था, सब अंडरग्राउंड हो जाते थे, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होता था लेकिन उनके घर में वो बहुत भयभीत रहते थे, परेशान रहते थे। महिलाएं अगर सुन रही होगी तो हो सकता है वो इस पे विनोद भी करें। लेकिन एक महात्मा ने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, बाहर तो आप शेर रहते हैं समाज में और ऑफिस में शेर रहते हैं, घर में क्या हो जाता है, घर में बिल्कुल आप बहुत ही मायूस से रहते हैं। तो उन्होंने कहा, बड़ी मायूसी से कहा कि स्वामी जी शेर तो मैं घर में भी रहता हूँ लेकिन यहाँ पे देवी जी सवार हो जाती है। देखें एक जो शेर है वो घर में सामंजस्य अच्छा नहीं है, तो ये हमारे जीवन में सामंजस्य की कमी है। मैंने सामंजस्य पे इतना फोकस क्यों किया, सामंजस्य आत्मा की मातृभाषा है, आत्मा में सामंजस्य होता है। अगर हम अपने जीवन में सामंजस्य का अभ्यास करते रहे तो भगवान की तरफ हम बढ़ने में हमें एक बहुत अच्छी लीड मिलेगी। अध्याय 2 के भगवद गीता के 48वां श्लोक है, योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब उसमें क्या कहते हैं, योगस्था कुर कर्माणि, आप जो कर्म करें योग में स्थित भगवान के साथ एक आत्मता का भाव रखते हुए कार्य करें, योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। यहां कह रहे हैं आसक्ति का त्याग कर, धनंजय अर्जुन कार्य करो, आसक्त का त्याग करो, अनासक्त भाव से कार्य करो,
सिद्धि असिद्धियों, सफलता और असफलता दोनों में एक इवननेस ऑफ माइंड रखिए, एक समता का भाव रखिए। होता क्या है हमारे जीवन में, अगर हम प्रिय रिजल्ट पाते हैं तो हम उछलते हैं, और जब हमारे मन के विपरीत होता अप्रिय परिणाम आता है तो हम परेशान होते हैं, हम गड्ढे में गिर जाते हैं। कई बार हमारे मन में एक डिप्रेशन का भाव आता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं सिद्धि असिद्धियों समोभूत्व समत्वम योग उचित, इवननेस ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा। इन दोनों परिस्थितियों में हमें एक समता का भाव रखना चाहिए। और पहली बार ये योग की बात आई है भगवत गीता में अध्याय 2 के 48वें श्लोक में कि समत योग जिसे कहते हैं, इवननेस ऑफ माइंड। क्या हम इवननेस माइंड का अभ्यास कर सकते हैं? करना चाहिए, और ये हर क्षण करना चाहिए। चाहे हमें निम्न प्रकृति को दुरुस्त करना हो, और चाहे जीवन के झंझावातों से हमें अभ्यास करना हो, सब में इवननेस, चाहे भौतिक जीवन में चाहे आध्यात्मिक जीवन में, हमारी समता जो है ये बहुत बड़ा गुण है। इसलिए भगवान ने इसमें समता के को योग कहा है। और जिसका हमने जिक्र किया, दुख के संयोग का वियोग ही योग है, ये हम लोगों ने कहा था अध्याय 6 के 23वें श्लोक में कहा है, दुख के संयोग का वियोग ही योग है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, दुख का वियोग ही योग है, नहीं कहा दुख के संयोग का वियोग ही योग। इसमें संयोग शब्द क्यों? संसार में जब हम व्यवहार करते हैं अज्ञान की दशा में, हम दुखी होते ही हैं। मैं कह रहा हूं अज्ञान की दशा में हम दुखी होते ही हैं, अर्थात संसारिकता में चूंकि हमारी संगता होती, हमारी लिप्तता होती है, तो लिप्तता की वजह से दुख आना अवश्यंभावी है। लेकिन अगर हम भगवान को समर्पित करते हैं, हमारे चेतना का स्तर धीरे 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 ऊंचे उठता चला जाता है, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ये जो संगता है वो कम होती चली जाएगी। दुख के संयोग का वियोग, इसको एक बड़े लौकिक उदाहरण से समझाया गया है कि जैसे कटहल है, हमारी बहनें या बहुत सारे लोग कटहल को काटते हैं, उसमें दूध होता है, दूध में एक चिपकने का गुण होता है। जब हम सब्जी को काटते हैं इस कटहल की, तो दूध हमारे हाथ में लग जाता है, चिपक जाता है, और उसको छुड़ाने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा कड़वा तेल लगा लें, सरसों का तेल लगा करके फिर काटें, तो दूध तो लगेगा लेकिन वो चिपकेगा नहीं। इस तरह से दुख भरी परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी, लेकिन अगर समर्पण है, भगवान के प्रति हमारा समर्पण है, हम योग युक्त हैं, तो दुख हमको लिप्त नहीं करेगा, या कोई भी कर्म हमको लिप्त नहीं करेगा। कर्म जो है बांधेगा नहीं, कर्म बंधन का कारण नहीं होगा। इसलिए दुख के संयोग के वियोग को योग कहा है। ये भगवान ने भगवद गीता के 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है। मित्रों, सारा जीवन ही योग है। यहाँ पे मैं निवेदन करूं, महर्षि अरविंद ने साधना करके, श्री माँ के साथ साधना करके, जो मन के ऊपर की चेतना, जिसको अतिमानस उन्होंने कहा है, अतिमानस ये पूर्ण चेतना का पर्याय है, मन जो है अपूर्ण चेतना का पर्याय है। मन चीजों को टोटलिटी में नहीं देख सकता, मन चीजों को खंड खंड करके देखता है। हम एक घटना को देखते, हमारा इंटरप्रिटेशन को दूसरा होगा। आप उसी घटना को देखेंगे तो आपका इंटरप्रिटेशन कुछ दूसरा होगा, यथार्थ कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जब अतिमानस के लेवल पे हम पहुंच जाएंगे, तो हम आप दोनों चीजों को टोटलिटी में देखते हैं, पूर्णता में देखते हैं। महर्षि अरविंद ने, श्री माँ ने इसका साधना करके अतिमानस को पार्थिव जगत में उतार दिया है।
29 फरवरी 1956 को पांडिचेरी की पावन धरती पर इसका अवतरण हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में कार्य करना शुरू कर दिया। हम लोगों को उसको समझ करके, पढ़ करके उसकी तरफ उन्मुख होना चाहिए। हम जितना ज्यादा उन्मुख होंगे, और उन्मुख होने का तरीका क्या है कि भगवती शक्ति की तरफ, एब्सोल्यूट के तरफ, एलोन के तरफ, वन के तरफ हमें जो है उन्मुख होना है। हमें अपने को समर्पण करना है, कंप्लीट सरेंडर विदाउट रिजर्वेशन, ये भाव हमें धीरे धीरे विकसित करना है। तो निश्चित रूप से ये समर्पण जब की वजह से जब डिवाइन पावर हमको पकड़ लेगी। रामकृष्ण परमहंस दो तरह के एग्जाम्पल देते थे, समय काफी कम है, बस एक दो मिनट लेके खत्म करेंगे। जो एग्जाम्पल दो तरह के समर्पण की बात करते थे, एक बंदर के बच्चे का, एक बिल्ली के बच्चे का। बंदर के बच्चा वो माँ से चिपका रहता है, उसमें बच्चे की जिम्मेदारी है कितना टाइटली वो पकड़ ले, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है, गिरने की संभावना रहती है। लेकिन बिल्ली का बच्चा जो होता है, बिल्ली चूंकि एडल्ट होती है, वो अपने बच्चे को मुंह में दबाए रहती है, ये बड़े की जिम्मेदारी होती है, उसमें गिरने की संभावना नहीं रहती। लेकिन बंदर के बच्चे में गिरने की संभावना, दोनों में समर्पण है। दोनों की माँ चाहती है कि हमारा बच्चा गिरे नहीं, लेकिन एक बच्चे पे निर्भर रहना पड़ता है और एक माँ पे निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए अगर हमारा समर्पण भगवान की तरफ होता है, एक स्थिति ऐसी आती है, भगवान हमको पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं। इवन हमारे भविष्य की जो दिशाएं होती हैं हमको, वो सब उसका दिग्दर्शन होता रहता है। श्री अरविंद जब अलीपुर जेल के बाद पांडिचेरी की तरफ गए हैं, उस समय से उनका अलीपुर जेल से ही उनको आदेश मिलना शुरू हुआ था। जो भगवान कहते थे वही वो करते थे, वो कोई माइंड के लेवल पे नहीं कहते थे, नहीं करते थे। वो जो डिवाइन कहता था, परमात्मा कहते थे, वो कार्य करते थे। तो 1956 से इस पार्थिव जगत में धीरे 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 इसका अवतरण हो चुका है, जो धीरे धीरे अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन हम लोग परमात्मा के तरफ कितने समर्पित होते हैं, इस भाव को लेकर के कि हमारे मन बुद्धि का उपकरण दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय सुपर माइंड, ये हमारे अंदर एक वृत्ति, एक भाव बराबर विकसित होता रहे, ये प्रक्रिया तेज हो जाएगी। होना तो है, लेकिन इसकी तीव्रता और बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस विश्वविद्यालय ने जो कार्यक्रम ये किया है, आयोजित किया है, आयोजकों का, विशेषकर महाराज जी का चरणों में नमन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना अच्छा हम सभी को, निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि जितने हम सभी जुड़े हैं आज, अभी तक जितने कार्यक्रम हुए, जितने भी वक्ता आए हैं, सर का उद्बोधन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। और हम सभी को जो व्यावहारिक जीवन में योग, इस विषय पर महर्षि अरविंदो के योग के कंपोनेंट्स के आधार पर जो हायरार्की है उनकी, अभीप्सा, त्याग और समर्पण, उस आधार पर जो हमें ज्ञान दिया, निश्चित रूप से वो हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। और आशा करता हूँ कि हम सभी इससे लाभान्वित हुए। और किसी के पास अगर, यदि जो कोई भी जुड़े हैं उनके पास प्रश्न हो तो कृपया सर से पूछें। जी धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम की द्वितीय सत्र की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी सर, जिनके की ज्ञान का लाभ मैं व्यक्तिगत रूप से अक्सर करता ही रहता हूं। और मुझे उनके साथ कई विषयों पर चर्चा करने में काफ़ी आनंद व्यक्तिगत रूप से मैं प्राप्त करता हूं। और मैं चाहूंगा
कि आज का जो विषय है सर का, योग एवं जीवन दर्शन, इस विषय पर सर का उद्बोधन हम सभी प्रतिभागियों और दर्शकों को एक साथ प्राप्त हो। और सर के विषय में जितना कहें कम है, ये हर हर क्षेत्र में आध्यात्मिक हो, दर्शन का क्षेत्र हो, इनका विषय है ही, सब क्षेत्र में इनकी गति उसी प्रकार है जिसकी प्रकार इनकी गति इनके विषय में। तो इसलिए जो हम लोगों को एक समग्र निचोड़ मिलता है हर क्षेत्र का, इनके व्याख्यान से हमको आज मिलेगा। और मैं बड़े ही आदर के साथ डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और योग एवं जीवन दर्शन इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही है। जी, आज के इस कार्यक्रम के संचालक महोदय श्री कुमार प्रद्योत दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, समय तो इसमें निश्चित होगा, 5 बजे तक होना है कार्यक्रम? जी, 45 मिनट। आज 45 मिनट, ठीक ठीक, धन्यवाद। तो सबसे पहले जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना एवं योग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित योग विषय पर या योग पर ये व्याख्यान माला जो है, सप्तदिवसीय व्याख्यान माला, तो सभी आयोजक मंडल को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस व्याख्यान माला का एक पुष्प समझा और मुझको उस कड़ी में जोड़ा, उस माले की कड़ी में जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी को, जितने प्रतिभागी हैं सभी को सादर नमस्कार। अभी जो मुख्य वक्ता थे डॉक्टर जेपी सिंह सर, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। अब अभी जैसा हमने देखा कि दर्शन का जो योग का जो दार्शनिक पक्ष था वो व्यवहारिक पक्ष से ज्यादा रख दिया डॉक्टर साहब ने, और हम इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित थे कि हमें कुछ ज्यादा दर्शन के विषय में कहना पड़ेगा, लेकिन वो बात आ गई है। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि अक्सर जब नीरस जो है विषयों पर गंभीर चर्चाएं होती हैं तो वो नीरस्तम हो जाता है वो विषय। मैं समझता हूँ आप लोगों की उत्सुकता को, आप लोग चाहते क्या है। तो हम बहुत संक्षिप्त में आपको इस योग के विषय में बताएंगे, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 30 जून को मनाया जाना है, उसी के संबंध में ये व्याख्यान वाला है। तो हम सीमित वहीं तक रहेंगे। वास्तव में योग की अनेक परिभाषाएं हैं, लोग अपने अपने ढंग से लेते हैं। साधारण सा मतलब होता है जो जोड़े युज्यते, जिसमें जोड़ हो, जो जोड़े दो चीजों को योग कहलाता है। लेकिन यहाँ यह जो योग है जिसकी चर्चा हम करने बैठे हैं, कुछ ऐसा है कि नहीं है कुछ भी जोड़ दो ऐसा नहीं है, तो इस कैटेगरी में आ जाएगा। वो जो जोड़ता है, क्या जोड़ता है, हम इसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा जो इसका प्रतिपाद्य विषय है, क्योंकि हमारा जो विषय है योग एवं जीवन दर्शन है, तो योग क्या है जब हम इसकी बात करते हैं, तो जो महर्षि पतंजल ने वो कहा है योगस चित्तवृत्ति निरोध, हम वही मानते हैं चित्तवृत्ति का निरोध, जिस योग पर हम चर्चा करेंगे आपसे। और दर्शन की जब हम बात करते हैं तो दर्शन मतलब जिस प्रक्रिया से कुछ देखा जाए, जिस प्रक्रिया से हमें स्वरूप ज्ञान हो जाए, तात्विक तत्व तात्विक स्वरूप ज्ञान हो जाए, वो दर्शन के अंतर्गत आता है। और जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो ये 6 दर्शन जो हैं ये प्रधान हैं, जो आस्तिक दर्शन है जिसमें मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, ये 6 दर्शन कहे जाते हैं।
और इनका जो प्रतिपाद्य विषय होता है तो ये चार है। पहला है दुख, दुख का स्वरूप, और दूसरा है दुख का हेतु। बहुत आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ। ये चार ही हमारे भारतीय दर्शन के चार ही प्रतिपाद्य विषय हैं। ये चार बहुत आसान है, इनकी जो टेक्निकल भाषा है वो दूसरी है, लेकिन दुख, पहला है दुख और दूसरा दुख का कारण और तीसरा दुख निवृत्ति और चौथा दुख निवृत्ति का उपाय। ये चार ही चीजें हैं जिसको हे कहा जाता है, हे हेतु कहा जाता है, हान कहा जाता है और हानोपाय कहा जाता है। ये उसके टेक्निकल टर्म है फिलॉसफी के। तो मैं इसको साधारण भाषा में बता रहा हूं कि देखिए बड़ा आनंद आता है। हम सब जानते हैं कि आनंद सब लेना चाहते हैं। अगर इस कार्यक्रम में हम जुड़े भी हैं तो आनंद के लिए, कोई काम भी हम करते हैं तो अंत में हमें आनंद ही मिलेगा, इस अपेक्षा से हम उसमें सब लगे रहते हैं। तो जो भी हम करते हैं वो सब आनंद के लिए ही करते हैं, और ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि हम कोई विशेष हैं, बल्कि आनंद वो जो हमारा वो परम ध्येय ही हमारा आनंद है, हम उसके भाग हैं, हम उसके अंश हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो वो आनंद में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई ना कोई गड़बड़ी आ ही जाती है। आप सतत जन समाधि में रह सकते हैं, न सतत आप जो है ध्यान ही कर सकते हैं, न आप 24 घंटे योग ही कर सकते, योग के जितने भी अंग हैं वो आसन ही करते रहें, यम नियम ही लगे रहें, ऐसा ऐसा नहीं है। और यम नियम का जो नियम है और जो उसमें जितना उसके मकड़ जाल में आप फंसेंगे तो शायद पूरा जीवन आपको उसको समझने में ही लग जाए, वही करते रह जाए। यह योग एक ऐसा विज्ञान है जो जितने भी, चाहे वो मीमांसा हो, चाहे वेदांत हो, चाहे न्याय हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे सांख्य हो, और जितने भी मत मतांतर है, चाहे वह द्वैतवाद हो, चाहे द्वैतवाद हो, चाहे द्वैताद्वैत हो, चाहे शुद्धाद्वैत हो, चाहे विशिष्टाद्वैत हो, जितने ये मत मतांतर है जो लोगों ने अपनी अपनी मति और अपने अपने बुद्धि सुविधा के अनुसार अपने संप्रदाय के पोषण के लिए बनाकर के सब तैयार रखा है, ये सब में योग मान्य है, कहीं भी इसका कोई विरोध नहीं है। सार्वभौम सार्वभौम इसलिए है, इसकी जो प्रक्रिया है बहुत वैज्ञानिक है। तो जिन लोगों को आनंद के साथ आगे बढ़ना है और जिनको अपने मनोमस्तिष्क को और यहां तक कि अपने शरीर को ये जीवन की प्रयोगशाला बनानी है, जिसमें आपको आपके स्वरूप का दर्शन हो सकता है, जिसमें आप अपने स्वरूप को समझ सकते हैं, आपका स्वरूप क्या है, इसी पर चर्चा की गई। तो जो दर्शन है उसका मतलब होता है कि स्वरूप बोध, स्वरूप ज्ञान, ये दर्शन से हमारा अभिप्राय है। दर्शन के बहुत मामले जो है अंत होते हैं, लेकिन हमारे जो टॉपिक का विषय दर्शन है, इसका मतलब यहाँ यही है, स्वरूप बोध या तत्व ज्ञान या तात्विक स्वरूप जान लिया जाए, ऐसा ही दर्शन का मतलब है। यह जो योग है इसका प्रतिपाद्य विषय चार है, दुख क्या है, दुख दुख का स्वरूप क्या होता है, इसका कारण क्या है, दूसरा, तीसरा दुख निवृत्ति क्या है और दुख निवृत्ति का उपाय क्या है। इसके पहले हम तीन मुख्य तत्व जानते हैं, एक चेतन तत्व होता है, एक जड़ तत्व होता है, और एक जो है एक चेतन तत्व जीव या व्यक्ति से संबंधित होता है या व्यष्टि से संबंधित होता है, जिसको आत्मा भी कहते हैं, जीव कहते हैं, और एक चेतन तत्व होता है जो सर्वव्यापी होता है, जिसके भी चर्चा हुई, परमात्मा या पुरुष विशेष जैसा कि योग में आया हुआ। तो यह जो सांख्य योग है या दर्शन है, सांख्य दर्शन है, इसी पर आधारित है आपका योग, और चाहे वो इसके आदि आचार्य हैं उनका हिरण्यगर्भ सूत्र हो, और जो कि अब है नहीं, हिरण्यगर्भ सूत्र जो है वो लुप्त प्राय हो गया है, उसी के आधार पर महर्षि पतंजलि जी ने यह योग दर्शन लिखा, योग पर सूत्र लिखे हैं। तो ये प्रथम जो योग के आदि आचार्य हैं वो हिरण्यगर्भ है, और पतंजल मुनि ने योग दर्शन का निर्माण किया है हिरण्यगर्भ सूत्र के आधार पर, जो कि अब उपलब्ध नहीं है,
ये इसमें जो पतंजलि योग दर्शन है, योग के विद्यार्थी जानते होंगे, योग से लिंग जुड़ जानते हैं, इसमें कुल 195 सूत्र हैं और इसमें चार भाग हैं, चार पाद हैं और प्रारंभ महर्षि पतंजलि ने समाजपाद से किया है जिसमें 51 सूत्र है, फिर साधन पाद जिसमें 55, फिर विभूति पाद उसमें भी 55 और लास्ट में अंतिम में कैवल्य पाद है उसमें 34 सूत्र है। तो इन 195 सूत्रों के माध्यम से उन्होंने योग को इतना वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है कि जितने युवा हैं या जितने हम लोग हैं जो साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उनका और होना भी चाहिए, उन लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल है ये साधन। में न तो बहुत ज़्यादा सरल है न तो बहुत ज़्यादा कठिन है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कर्मकांड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल समझ विकसित करना है, करना कुछ नहीं है, केवल आपको अपनी समझ एक बना लेना है और उसके अनुसार आपकी जो दिनचर्या है या जो आपकी जीवन शैली है वो थोड़ा सा समझ स्तर में पहले बदलाव कीजिए तो अपने आप भौतिक स्तर में बदलाव आ जाएगा। तो ये सांख्य तत्व जो हैं वो 25 होते हैं, इसमें 8 प्रकृतियां होती हैं, उनके फिर 16 विकार होते हैं, एक पुरुष होता है जो चैतन्य है, बाकी सब जड़माना है। ये सांख्य तत्व ऐसा कहता है, अष्टौ प्रत्यय षोडश विकारा पुरुष, तो ये 8 प्रकृतियां हो गई जिसमें आपका महत्त्व अहंकार और 5 जो है तन्मात्राएं, ये अप्रकृत, तो प्रकृत जो है प्रकृत नहीं है प्रकृत, ये 8 हो गए और जो है 16 इंद्रिया आपकी, 11 इंद्रिया मन सहित, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 1 मन 11 और 5 जो है जो स्थूल मत स्थूल तत्व जिनको ग्रास एलिमेंट्स कहते हैं, तो 5 ये मिला के ये 24 और एक पुरुष 25, ये ऐसा जो है सांख्य तत्व जो है दर्शन की कल्पना है और उसी पर आपका ये पतंजलि का योग सूत्र आधारित है। यदि भी एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर इन हमको किसी ढंग तरह से हम इतना समझ जाएं तो हमारे आनंद में कोई बाधा नहीं है, चाहते हम आनंद है, इसको हम आनंद योग भी कहते हैं कभी कभी, डॉक्टर आनंद जो है ये राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी है, प्रद्योत जी हैं और ये सब जानते हैं कितने आनंद से इस काम करते हैं। जब हम आनंद योग कहते हैं तो आनंद हमारा मतलब यह है कि हमारा जो स्वभाव है प्रत्येक प्राणी का वो आनंद लेना ही है, वो सब चाहते हैं, कोई बड़े बड़े चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो सब आनंद से रहना चाहते हैं, उनके आनंद में कहीं बाधाएं आई तो सारे विकार पैदा होते हैं। इसके विषय में ये 5 अगर हम ये 25 चीजों को समझ लें, संक्षेप में समझ लें, क्रिया योग से समझ लें तो शायद जो है हमारा बेड़ा पार हो जाए। आज ये किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, सबको करना चाहिए क्योंकि ये सबको जानना आवश्यक है। अरे गौड़ पादाचार्य जी बहुत अच्छे वो कारिकाएं लिखते थे, उन्होंने तो एक जगह कहा है चाहे जटी हो चाहे जटी मुनगी सिक्की वापी मुचेत नात्र संशय, चाहे गृहस्थ हो चाहे संत हो चाहे सन्यासी हो सब जो है वो मुक्त हो जाते हैं अगर पंचविंशत ये जो तत्व हैं ये उसके उसको समझ लेते हैं, या चाहे जिस आश्रम में रहें सबको उसका लाभ होता है। तो आइए हम क्रमशः इस पर विचार करते हैं कि हम जो दर्शन आपको बताना चाहते हैं वो यही है कि आपको सही सही बोध हो जाए, स्वरूप का बोध हो जाए कि आप कौन हो। ठीक है ये शरीर मिला है या जीवन मिला है, कुछ अच्छा आपने भौतिक काम कर लिया है, प्रयास कर लिया, लेकिन ये हमेशा तो एक समान गति से चलता नहीं और आपकी मन स्थिति भी समान नहीं रहती है, तो इसको हम क्या करें, क्या करें कि हम इन सब चीजों से मुक्त हो जाए और ये करते हुए आनंद भी आए, ऐसा नहीं है ये करते हुए आनंद भी आना चाहिए। तो भारतीय जो जीवन शैली रही है उसमें इस बात को सुनिश्चित किया गया कि हम जो हम कार्य करते हैं हमारी जो दिनचर्या है प्रतिदिन की दिनचर्या में वो योग को उसने शामिल किया समाहित किया,
प्रारंभ में आप देखते थे कि वो छोटे ही बहुत आरंभ काल से जो छोटे छोटे लड़के बालक रहते थे उनका यज्ञोपवीत इत्यादि हो जाता था और नाक दबा करके बैठ जाते सुबह शाम। ये दोनों मीटिंग आज भी गांव में लोग नाक दबा के बैठते हैं, यद्यपि इसको लोग बड़ा बहुत बुरा मानते हैं। आप सब उपहास के पात्र बन गए हैं, आजकल के पढ़े लिखे लोग, कितने जातियों में उपजातियों में संप्रदायों में बटे हुए लोग, इनको बड़ा गंदा लगता है, बड़ा बेकार लगता है, उसको बड़ा निकृष्ट समझा जाता है कि ये नाक दबा के बैठा हुआ। जबकि ये हमारा दर्शन ये है, वो शुरू से आपने वो आदत को, यह जो हैबिट है उसका वो संस्कार जो है इससे पड़ता है कि वो प्राण पर अपने आप नियंत्रण करना सीखें। अब गांव में आप जाइए, हमारे भारत में तो जो हल जोतने वाला था पहले वो ज्यादा अच्छा प्राण के कांसेप्ट को समझता था। वो जब बैल कहीं बैठ जाता था चलते चलते तो नाक और मुंह दबा करके वो दबा लेता था, उससे क्या होता था कि वो प्राण जो है वो उसका पुनः से उसमें ऊर्जा आ जाती थी और प्राण जो भाग डीएक्टिवेट हो जाता था मस्तिष्क या शरीर का वो एक्टिवेट हो जाता था। वो कॉन्सेप्ट वो जानता था, भले उसको सूत्रबद्ध न कर पाता हो लेकिन कहीं ना कहीं से उसको जो है परंपरा से ही मिला हो, लेकिन मिला था, उसको ज्ञान था, वो करता था। एक अनपढ़ व्यक्ति भी जब वो नाक दबा के प्राणायाम करता था, प्राणायाम के बिना कोई नित्य कर्म उसका प्रारंभ नहीं होता था, तो उसके पूछे कहीं ना कहीं से एक परंपरा से वो प्राप्त किया था ज्ञान कि प्राणायाम ही एक शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो यह बहुत जरूरी। तो शरीर को ही स्वस्थ रखना नहीं, शरीर और मन दोनों की शुद्धि के लिए बहुत चीजें। अब हम आइए सीधे पातंजल योग पर चलते हैं। विभूतिपात समाधिपात, सबसे पहले आपका समाधिपात शुरू होता है। तो ये पतंजल जी बड़े होशियारी से, या जो जैसे किसान क्या करता है कि सबसे अच्छा जो खेत होता है उसमें सबसे अच्छा बीज बोने का प्रयास करता है, तो उन्होंने समाधिपात से अपने योग सूत्र का प्रारंभ किया। और जो योग का पूरा ध्येय है, योग का उद्देश्य क्या है, योग क्या है, इन्हीं उन्होंने पूरा बता दिया कि देखिए जो हम योगानुशासनम हम जो कहने जा रहे हैं योग का अनुशासन है। आप लोग ध्यान से सुनिए, योगश चित्त वृत्ति निरोध है, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ। यह शुरू ही करते हैं, आओ केवल ये प्रारंभ के जो चार सूत्र है ना इन्हीं पर पूरा जो उन्होंने 191 और जो सूत्र है केवल इन्हीं की व्याख्या है। कहा उससे क्या होगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। तो कहा कि जब चित्त में वृत्तियां नहीं रहेगी तो जो दृष्टा है अपने स्वरूप में अवस्थित होगा, सीयर जो है, जो साक्षी है, क्योंकि जितने भी काम हो रहे हैं किसी ने एक एक सत्ता है और वो दृष्टा ही है, वो है उसी के जो है विटनेस में सारा काम, उपस्थिति में सारा काम हो रहा है। जिस दिन वो साक्षी नहीं रहेगा कोई काम हो भी नहीं सकता। अब बिल्कुल सही बात है, क्या पकड़ा हुआ, देखिए ये संसार में हम सबकी अवस्थाएं हैं, हम इतना जानते हैं कि हम जागते हैं, हम स्वप्न देखते हैं, हम सोते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो संसार की कोई भी पदार्थ नहीं होता है, भौतिक स्थूल कोई पदार्थ नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म संसार वैसा ही खड़ा हो जाता है। तो ये जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है, मन सक्रिय रहता है, ये पूरा काम अपना कर लेता है, ये बहुत बड़ा, जैसे कोई जो है जादूगर हो बिना किसी स्थूल सामान के जो है वो चीजें तैयार कर देता है, उसी तरह से मन हमारा पूरा एक संसार ऐसा खड़ा कर देता है कि बिल्कुल हूबहू जिस समय उस समय तक तो वही लगता है जब तक आप उस स्वप्न देखते हैं, ये संसार वैसे ही है, उससे बिल्कुल भिन्न नहीं रहता है। अब बहुत जितने युवा हैं उनके मन में प्रश्न आता है, क्या बहुत लोग ऐसे गप मारते रहते हैं कि भगवान ने ऐसे ही सब संसार संकल्प किया और संसार पैदा हो गया। मैं उन युवाओं को यह कहना चाहता हूं कि आप के पास कुछ नहीं होता जब आप स्वप्न देखते हैं,
अब पूरा जागृत जगत जैसा आप एक संसार खड़ा कर लेते हैं, मन पसंद की चीज आप ले लेते हैं। जब आप जैसा तुच्छ प्राणी झूठा संसार खड़ा कर सकता है बिना किसी भौतिक पदार्थ के, तो जिसका ये संसार है वो ऐसा क्यों नहीं सकता है? संकल्प, उसको तो संकल्प करने की भी जरूरत नहीं है। बस यही हमको इतना जो यही हम समझें कि चेतना का कोई न कोई एक ऐसा भाग अवश्य है जो कि हमारे साथ हमेशा रहता है, अब उसी की उपस्थिति में हमारे सारे काम होते हैं, लेकिन हमारी मूर्खता उसको ही हम भूले रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ धर्म पूजा पाठ इसकी जो परंपरा चली इसीलिए चली कि जिसकी उपस्थिति में तुम सारा काम कर रहे हो कम से कम उसको तो कुछ समय के लिए याद कर लो और तुम उसी के जो है अंश हो, और अपने अंश और अंशी का संबंध जो है वो क्या है इसको तो थोड़ा सा समझो। इसलिए हम भी भोजन करते हैं तो भोग लगाते हैं, मुझे मालूम है कि परमात्मा भोजन नहीं करेगा क्योंकि वो तो उसकी उपस्थिति में भोजन होता है और परमात्मा को जाना भी नहीं जा सकता है, उसी की उपस्थिति में सब चीज जाना जाता है, उसको किसी के द्वारा हम जान नहीं सकते हैं। फिर भी हम ये प्रयास, ऐसा नहीं कि हम जानेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि हम भोग नहीं लगाएंगे, इसी बहाने हम उसको भोग लगाएंगे क्योंकि वह करता है, वो खाता नहीं है वो खाए, और जो भाग हमारा खाने वाला है ये उसको छोड़े धीरे धीरे, एक साम्यावस्था को हम प्राप्त हों उसके नजदीक पहुंचे। तो इसीलिए हम स्वरूप बोध जब हो जाता है तो चित्त वृत्ति का निरोध किए बिना नहीं हो सकता, और यह तो योग में लिखा है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब तक चित्त है आपको कभी बोध नहीं हो सकता स्वरूप का, ये मेरा मानना है। पतंजलि जो लिखा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उसके लिए उन्होंने बताया योगस चित्त वृत्ति निरोध है, योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, और चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तब जो है हमको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, और क्योंकि दृष्टा अपने स्वरूप तभी स्थित होगा जब चित्त की वृत्तियां नहीं होंगी। और चौथा जो उन्होंने बताया कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, अन्य जगह जो है वो वृत्तियों के सारूप होता है, जैसी वृत्ति रहती है वैसा दृष्टा रहता है। तो दृष्टा तो ऐसा है ही है क्योंकि हर समय जब वो उपस्थित रहता है तो कोई शुभ कर्म करता है उसके साथ भी है, पाप कर्म करता है उसके साथ भी है, आप चोरी करेंगे आपके साथ दृष्टा है, आप जो है परोपकार करेंगे आपके साथ दृष्टा है, भक्ति करें योग करें दृष्टा हमेशा है आपके साथ, वो कभी साथ छोड़ता नहीं है। और इसीलिए मैं कहा तो साथ छोड़ता नहीं है तो आपका कर्तव्य है कि उसको अवश्य जाने। जब आप सो जाते हैं तब आपका वह कॉन्शियस एफर्ट भले भी न हो, लोग कहते हैं कि वहां हम कॉन्शियस हमारा एफर्ट नहीं होता है, लेकिन वहां होता कौन है, फिर भी कोई न कोई तो होता है जो आनंद में रहता है, और जिसमें हमारा मन लीन होता है, हमारा अंतःकरण लीन होता है, तो किसी न किसी में तो लीन होता है, जिसमें लीन होता है वही ईश्वर है। और इसी के बाद ये जो है पतंजलि जी करते हैं कि क्लेश कर्म विवाका शरीर परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, वही ईश्वर है जो हमारी जो प्राज्ञ अवस्था होती है, सुप्तावस्था या प्राज्ञ प्रज्ञान घन की जो अवस्था होती है व्यस्त रूप में, वही समस्त रूप में ईश्वर की अवस्था है। तो वही पुरुष विशेष ईश्वर की बात पतंजलि ने किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि देखिए ये समझाना कि भगवान ऊपर से है सब नियंत्रित कर रहा है और सब ठीक है जो भी हो रहा है, ऐसा मान लेना तो और जो दर्शन है उनमें संभव है, इसमें ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। योग में आपको यही चीज जानना है, मानने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, अनुसंधान करने वाले कितने हुए, हमारी जो ये भारतीय वैदिक परंपरा रही है वो उसमें इतनी विलक्षणता रही है कि लोग अनुसंधान करते थे उसका प्रचार प्रसार करते, धीरे धीरे अनुसंधान कम हो गया और प्रचार ही केवल रह गया,
हम प्रचार प्रसार करते चले आ रहे हैं, अनुसंधान उसमें कुछ हो नहीं रहा है, और योग हमारा जो है वो हमको अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करता है कि आप नहीं, आप स्वयं में अनुसंधान करें। और ये जो चार जो ये श्लोक है, जो इसमें तीन चौथे तक जो तीन श्लोक हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध और दृष्टा अपने स्वरूप में उसमें स्थित होता है जब ऐसा होता है तो, और ऐसा नहीं होता है तो जैसी वृत्ति रहती है तद अनुरूप जो है वो दृष्टा रहता है। इसी चीजों का बोध पूरे योग दर्शन में हुआ। ये तो है, ये समाज पाद में है। साधन पाद में आप देखेंगे कि दूसरा पाद जो है वो साधन पाद है। इसमें जो विक्षिप्त चित्त वाले मध्यम जो अधिकारियों के लिए है, ये साधन पाद है। इसमें पूरा बताया गया है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से कैसे हम इसको करें। और इसी में वो चीज दर्शन की आती है कि ये जो हमारा प्रतिपाद्य विषय है जिसको मैंने कहा दुख क्या है, इसमें आएगा। इसी में साधन पाद में है कि दुख क्या है, का हे क्या है, तो कहते हैं कि हेयम दुख मनागतम, जो अभी आया नहीं है, जो आया नहीं हम तो आने वाला जो दुख है यही त्याग्य है। और हे तो है इसका जो त्याज दुख का कारण क्या है, तो बताता है कि दृष्टा, जो दृष्टा है, देखिए यहाँ दृष्टा शब्द मैं आपको फिर से बता दूं, जो साक्षी है, दृष्टा का अर्थ ये होता है जो देखता है। ये दृश्य है अलग, देखना अलग। देखिए तीन चीजें हैं, एक दृष्टा है, एक दृश्य है, और एक जो है दर्शन, तो ये देखने की जो क्रिया है। हमारा जहां तक तात्पर्य है वो तो हम दृश्य में न उलझे, दृष्टा हैं हम, इसको हम समझते रहे कि नहीं हम देखने वाले हैं बस, यहीं तक हम सीमित रहे। देखिए हम दृश्य में उलझ जाते हैं, तो दृश्य में उलझ गए तो चित्त हमारे विक्षेप आ गया, क्योंकि वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है यही है हेतु है, यही दुख का कारण है। ये संयोग नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें जो है, ये जो है इस पाद के 16वें और जो अगला 17वां जो सूत्र है ये साधन पाद का, उसमें बताया गया है। फिर उसमें 24वें जो आगे आप श्लोक पाएंगे तो हान हम जो बता रहे हैं वो क्या है, तो वो जो बता रहा है कि अविद्या ये तद भावात संयोगा भावो हानम, जो है उसके जो अभाव से, अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव होता है, यही हान है। मतलब यही हान का मतलब यही दुख से निवृत्ति है, और उसका उपाय क्या है कि विवेक ख्याति हो जाए। वहां विवेक ख्याति विप्लवाहन उपाय, यह उसी जो द्वितीय अध्याय है आपका साधन पाद, उसके 26वें सूत्र में इन्होंने हानोपाय बताया। मैं योग को दर्शन इसलिए बताया कि जो दर्शन के प्रतिपाद की चार विषय हैं वो इसमें चारों हैं, जो मैं बताया हे तो हान और हानोपाय, वो दर्शन की भाषा में पतंजलि ने बता दिया। ये चार चीजें हैं, इनको हमको समझना है। और उसके लिए फिर हम ये बताते हैं कि जो योगांग है, योगांग माने यम नियम आसन। अब आजकल ठीक जग साहब ने कहा कि आसन तक ही लोग सीमित, इसी को योग मानते हैं, तो हम कहते हैं योगा भले हो जाए लेकिन योग तो नहीं है। ये योगांग है इनका अनुष्ठान आदि सुदीक्षा, ये उसी द्वितीय अध्याय का 28वां सूत्र है। ये योगांग अनुष्ठान से जो अशुद्धि होती है, ये मन की, मानस की, उसका क्षय होता है और विवेक ख्याति का उदय होता है, उस आलोक में हमें सारी चीजें स्पष्ट होती है। तीसरा उसका विभूतिपाद है। तो विभूतिपाद में फिर वही चीजें जो मैं बताया कि जो तीन सूत्र हैं शुरू के, उन्हीं की व्याख्या है। वो पांच इसमें बहिरंग साधन है, इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन है योग के। ये बहिरंग है, एक्सटर्नल है, और जो आंतरिक साधन है, इंटरनल जो है, उदाहरण ध्यान समाज तीन है, और त्रय में एकत्र, ये जब तीनों एकत्र हो जाते हैं इसको संयम कहते हैं। विभूतिपाद में वही सब बताया है, नाना प्रकार की सिद्धियां हैं, और सिद्धियों के विषय में पतंजलि ने चर्चा किया है। आजकल के जो युवा होंगे, देखो बिना स्वार्थ के कोई किसी विषय को पकड़ता नहीं। अभी बताइए कि इस सिद्धि का, इससे आप जो है आकाश गमन हो जाएगा, आप सूर्य चंद्रमा की गति को, यहाँ से बैठे
जो है विदेशों में, अमेरिका इत्यादि क्या हो रहा है आप सब बता सकते हैं, ये सब एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, बहुत आगे से लोग प्रयास अभ्यास करना शुरू कर देंगे। हाँ क्योंकि यही तो सब तमाशा चाहिए ही, तो थोड़ा सा उसमें यही सब तमाशा है कि जो विभूतिपाद में तमाम प्रकार की जो शक्तियों का वर्णन है और वह उस पर हम ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे। जो कैवल्यपाद है तो उसमें केवल उपयोगी चित्त क्या है, मैं आपको बताया कि चित्त जो है, चित्त अपने आप सारी चीजें निर्माण करता रहता है। हाँ हमारी बुद्धि क्या बताए, कुछ न कुछ योजना हमेशा बनाती रहती है, कुछ भी हमें मिल जाए उससे संतोष नहीं होता है, योजना बनाती रहती है बनाती रहती है। तो क्षमा चाहूंगा, हाँ सर वो आपका कैमरा थोड़ा अच्छा गड़बड़ हो गया है, अब सही है, अब सही है, हाँ सर हाँ जी जी सही है, हाँ अब सही है। वो बुद्धि कोई न कोई योजना जो है वो बनाती रहती है, चित्त अपने आप में सब चीजें बनाता रहता है, वो सब क्रिएट करता रहता है, ऐसा न करने पाए कौन सा ऐसा उपाय है, तो सीधे वो कहती है योगी उपाय। मेरे कहने का तात्पर्य है कि दर्शन के जो चार प्रतिपाद्य विषय है, हे तुहान और हान उपाय, या दुख दुख निवृत्ति, दुख दुख का कारण, दुख निवृत्ति और दुख निवृत्ति का उपाय, ये चारों चीजों को इतने व्यवस्थित ढंग से आपको बताया गया है, एक बार वैज्ञानिक तरीके से आप इसको समझ लें और उसको क्रिया योग, सांख्य दर्शन का ही योग जो है वो क्रिया में कैसे परिणित किया जाए वो सारी चीजें बताता है, उसमें यम नियम आसन जो सुर, आप बहुत लोग बड़े होशियार होते हैं जो कॉमर्शियल लोग होते हैं जिनको धंधा करना है तो यम नियम का नाम ही नहीं लेते हैं, वो इसलिए नाम नहीं लेते हैं कि उससे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, खुद उस परिभाषा में पहुंच जाए, लेकिन आसन करने के पहले यम नियम बहुत आवश्यक है। और इस विषय को मैं बार बार ये कहता हूं कि ये प्रबुद्ध लोगों में ये विषय जाना चाहिए कि आखिर में ये इतना क्यों उन्होंने इतना महत्वपूर्ण बताया, योग जो है यम नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यम नियम है क्या, ये सब हमको जानना चाहिए। तो अब ये सब देश सब काल में जो है ये सारी सार्वभौम जिसको बोलते हैं, तो ये है जब अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, अपरिग्रह हो गया, तो ये सब यम है, ये यम है और ये सारे देश में सारे जाति हर जगह है। अब आपको लगा होगा कि इसके बाद जो नास्तिक दर्शन जिसको हम बोलते हैं जैन बौद्ध धर्म में आए, उनमें अहिंसा को इतना ज्यादा स्थान दिया गया, इतना कहीं भी नहीं दिया गया, लोग ऐसा बताते हैं। अरे अगर आप इसको पढ़े होते ये होते तभी आप बताते। देखिए किस तरह की अहिंसा का प्रतिपादन है इस योग में, आप थोड़ा समझिए कि वितरका हिंसादय कृतकारिता अनुमोदिता, मतलब कि की गई हिंसा या अनुमोदित करें आप, या मन में सोच लें उसकी सारी योजना बनाएं, या लोभ क्रोध मोह पूर्वक, लोभ क्रोध मोह पूर्वक करें, चाहे थोड़ी सी मात्रा में करें, चाहे मध्यम मात्रा में, चाहे बहुत बड़ी मात्रा में करें, ये मनसा वाचा कर्मणा कैसे भी हम करते हैं, ये दुख ज्ञाना अनंत फला इति प्रतिपक, ये जो है अनंत दुख को देने वाली है। इस तरह की अहिंसा का कॉन्सेप्ट आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। पहली बार तो हमने ये जो है महर्षि पतंजलि के ही दर्शन में हमने ऐसा पाया, इतने अच्छे ढंग से उन्होंने परिभाषित किया, ये सब सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य ये उस यम में आते हैं, और इसी तरह से जो नियम है वो भी उतना ही ज्यादा जो महत्वपूर्ण है जितना कि आपका ये यम है, और उसको जो है इसमें स्वाध्याय और सत्व शुद्धि सौम्य ये जो है आपके नियम है, तो इन सब का आपको इस संसार में आप रह रहे हैं इसके प्रति जो आपका ऋण है, यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ की धरती के प्रति, आकाश के प्रति जो भी आपका ऋण है, वो ऋण भी आपका जो है वो आपको उतारना है, और अपना अपने चित्त की शुद्धि आपको कैसे हो, या चित्त की जो वृत्ति है ये
कैसे जो है इसका समन हो, इसका भी उपाय आपको करना है, तो यह इसी वैज्ञानिक पद्धति से हो सकता है। ये जब तक यह नियम आपके योग में नहीं आता अष्टांग योग में, तब तक आगे की जो जो छह चीजें हैं वो शायद वो उतना जो है उनमें वो फलवती नहीं होगी, उतने अच्छे ढंग से उसका फल नहीं मिलेगा जितना ऑफर समय रूप से होना चाहिए। यही कारण है अब आप कोई शरीर को आप 500 साल तक जीवित रखना चाहते हैं, इसलिए योग करना चाहते हैं। हमें तो नहीं समझ में आता कि वो 500 साल आप जीवित रख करके उद्देश्य की पूर्ति नहीं क्या करेंगे। आप जो है वही इससे इस योग यह योग जो है अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो भोग की तरफ ही आपको ले जा रहा है। शरीर को आप 200 साल लोग क्यों जीना चाहते हैं, यह भी एक क्लेश है। वो आगे वो लिखा है अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा, अविद्यास्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, यही तो क्लेश है। इसमें जो अभिनिवेश है कि लोग हमेशा अपने शरीर को दुख न होने पाए इसको बचाए रखना चाहते हैं, किसी भी तरह का इसको कष्ट न हो। ये बड़े बड़े विद्वानों को चाहे जितने इतिहास पुराण कंठ कर लिए हों, लेकिन ये उनके मन में हमेशा ये डर बना रहता है, ये अभिनिवेश जो है। तो यह जो पांचों तरह के क्लेश हैं, इन क्लेशों से मुक्ति भी तो आपको चाहिए। और उसका सही वैज्ञानिक तरीका यह है कि आगे जो उन्होंने बताया है कि आप जिसमें सुख आपको मिले स्थिर सुख वासनम, वो जिसमें आप ज्यादा समय तक सुख रोक स्थिर रह सके, ये जब सिद्ध हो जाए तो फिर उसके बाद श्वास प्रश्वास उच्छेदन उसका जो है उच्छेदन वही प्राणायाम, फिर प्राणायाम शुरू कीजिए आप। अब प्राणायाम कई प्रकार के हैं, पतंजलि ने बहुत प्रकार नहीं बताया, उन्होंने कुंभक बताया और रेचक पूरक कुंभक, ये समय देश और उसका जो है उसकी मात्रा पर के आधार पे उन्होंने प्राणायाम को बांटा है। तो इसलिए ऐसा किया है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ये प्राणायाम जो है एक प्राणायाम मैं आप बता रहा हूँ, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपका मन लग गया, सांस रुक गई या सांस की गति में जो है जो है वो हो गया, आपने प्रक्षेदन कर दिया, उसमें अंतर कर दिया, वह प्राणायाम हो गया। ये बहुत अच्छा परिभाषा है। उसमें जरूरी नहीं है कि आप नाक दबा के बैठेंगे तभी वो प्राणायाम होगा, वो कई तरह के प्राणायाम होते हैं। शर्त उसमें एक ही है कि आपके शरीर में संतुलन हो, तब आपके मन में संतुलन में आएगा, तब आपका चित्त संतुलित होगा। देखिए जब हम मन की बात करते हैं तो हमारे मन में थोड़ा अंतर है, हम मन की बात करते हैं तो मन इंद्रिय है, जैसे पांच ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय है वैसे मन एक इंद्रिय है, और चित्त जो है इसका सात पार्ट है, जिसमें जैसा कि अभी पूर्व के आचार्यों ने इस चीज को बताया, वक्ताओं ने इस चीज को बताया। तो इसको हम कैसे शुद्ध करें, यह सारी प्रक्रिया जो है प्राणायाम से संभव हो जाती है। प्राणायाम करें और पूर्व में यम नियम आसन वो तो करें ही, प्राणायाम से ये सारी चीजें जो है हमारी सिद्ध हो जाती है। तो बहुत सारे दुख तो आपके 85% से लेकर के दुख यही दूर हो आपके हो जाते हैं, या जो 99% दुख कही एक प्राणायाम तक आपको दूर जाते हैं, क्योंकि ये जितने भी दुख रोग हैं ये सब चित्त को ही विक्षेप करते हैं, और चित्त का विक्षेप ही दुखों से होता है, ये ना होने पाए। इसके लिए जो है हमें ये चाहिए कि हम प्राणायाम करते रहें, क्योंकि जितना भी हम प्रयास करेंगे ऊपर से अंदर से भी उसका असर मन पर पड़ेगा, और उसी के अनुसार नियंत्रित होता रहता है, तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब भाई ये हम अज्ञानता में सो रहे हैं, और जो कॉन्शस जो प्योर कॉन्शस नेश है, जिसको आप जिसको परमात्म तत्व इसको कह लीजिए, वो तो हर जगह है, लेकिन हम उसको हमारे लिए उसकी क्या उपयोगिता है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि वो उपयोगी है, हर समय हमारे साथ है, चाहे जो भी हम करते हैं अच्छा बुरा कर्म हमारे साथ है। तो जब हम योग को इस रूप में लेंगे कि पहले यम करेंगे, फिर नियम यम नियम इनका पालन करते हुए आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा बनेगी ध्यान, और फिर जब हम समाधि करेंगे तो हमें वहां
चार प्रकार की चीजें जो है वो मिलेंगी। ये 17वां जो समाजपाद का श्लोक है, वितर्क विचारानंदा स्वतानुगमात, ये संप्रज्ञात समाज को हम प्राप्त करते वितर्क से, विचार से, आनंद से, स्मिता, ये जैसा नाम है वैसी समाधियां है, इसमें आनंद ही आनंद। फिर अगर हमारी निष्ठा इधर बनी रही तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इतने तक में मेरा यहाँ मानना है कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है हमारे देश की जिसका समाधान हम न कर पाए। हम सक्षम होंगे, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हम चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में है, चाहे विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में है, जहां भी हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, वो हम बहुत अच्छा काम वहां कर पाएंगे। क्योंकि जब चित्त हमारा एकाग्र होता है तो उसमें बहुत ऊर्जा होती है, और जहां हम उस ऊर्जा को लगा देंगे वहां वो अच्छा ही काम करेंगे। यही हमारा जीवन दर्शन रहा है प्रारंभ से। इसीलिए एक विशेष वर्ग के लिए शिक्षा का काम, विशेष वर्ग के लिए रक्षा का काम, विशेष वर्ग के लिए कृषि का काम, विशेष वर्ग के लिए व्यवसाय का काम, ये सब दिया जाता था। उसका बहुत वैज्ञानिक आधार था और उस समय सही रहा होगा, आज तक सही नहीं। आज तो सबको राष्ट्रपति बनना है, सबको प्रधानमंत्री बनना है, सब लोग चाहते हैं कि सब पद हमको मिले, हमें क्यों नहीं मिल सकता है। तो ये जो ज्ञान का अभाव है और जो झूठा ज्ञान आपने अर्जित किया है, उसी वजह से ऐसी सारी चीजें हैं। कंपटीशन तब भी था, कंपटीशन अब भी है। अंतर इतना था कि वह जो कंपटीशन था वो अपने अंदर था, और अपने अंदर था और को जिस काम को वह कर रहा है उस काम को और अच्छे ढंग से करे, इसलिए था। और आजकल जो यह है कि हम अपना काम अच्छा जानते हैं, दूसरे काम में अड़ंगा हम जरूर डालें, तो वो आज इसको लेकर के है। तो हमारे जो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे अंदर ज्ञान का जब अभ्युदय होता है तो आनंद का अपने आप होता है और एक समत्व आता है। जैसे हम क्या है कि अभी दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं, देखिए ये इस योग का मेन उद्देश्य, आप देखिए हम दोनों पैर पर बराबर कभी खड़े नहीं होते, हम दोनों आंख से बराबर कभी देखते नहीं, दोनों कान से हम बराबर सुनते नहीं है, हम ऐसा कभी नहीं करते कि एक तराजू की तरह 50 किलो इधर 50 किलो इधर, काटा न इधर न उधर। ऐसा कहीं अगर हम अपने इस शरीर को कर पाए तो ये जितने भी हमारा उद्देश्य है कि शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा, हमें वो प्रभा रहेगी, हमें वो बौद्धिक क्षमता आ जाएगी, वह स्तर आ जाएगा, वो समझ आ जाएगा कि बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो ऐसा बैलेंस हम बनाए, यह योग दर्शन यही काम करता है, ये बैलेंस भी करता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई महापुरुष थे, वो एक पर खड़े रहे, दोनों पर खड़े रहे, उनका काम केवल संतुलन ही था, वो बीच में आप अपने को संतुलित कर लीजिए। मैं तो जितने प्रतिभागी सुन रहे होंगे इसमें, सबसे मेरा यही आग्रह है कि कभी कभी आप दोनों पैर पर समान वजन करके देखिए, दोनों हाथों में आप समान रहे, दोनों कानों में आप समान रहे, दोनों आंखों में आप समान रहे, ऐसा आप कर पाएंगे शायद। तो जो यह एक्सटर्नल भाग है योग का, ये जो 8 अंग है उसमें जो 5 अंग है, ये बड़े आराम से आप इसमें इसको हासिल कर ले जाएंगे। और ये फिर आगे का जो है, ये आपके अंतःकरण का, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो तो उस पर निर्भर करता है कि कितनी गति आपकी योग में है, भक्ति में है। और जब तक आपके अंदर ये लालसा नहीं पैदा होगी कि हम वास्तव में सत्य है क्या, सच्चाई है क्या, क्या ये हम शरीर तो है नहीं, हम शरीर के अंग भी नहीं है, अगर इनका समुच्चय भी हम नहीं है, लेकिन इनमें जो यह एक चेतना है, वो चेतना तो हम अवश्य हैं और वो वही हमारा स्वरूप है, लेकिन हम अभी मानते आए हैं, इसको सुनते चले आए हैं कि ऐसा लिखा है, ऐसा कहा गया है, अभी हम इसको जानते नहीं हैं। तो इसको जानने की प्रक्रिया जो उसकी लेबोरेटरी है, वह है पतंजलि का योग है, अष्टांग योग है, उसको हम फॉलो करके वहां तक पहुंच सकते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। और इसी का मैं समर्थन करता हूं, और सबसे यही अपेक्षा करता हूं कि इसको आप जो है जो जो चीजें लिखी गई हैं ये चार जरूर पढ़ें आप। ये कुछ 195 सूत्र हैं और ये चारों जो है, चाहे वो साधन पाद हो, चाहे विभूति पाद हो, चाहे समाधि पाद हो, चाहे कैवल्य पाद हो, ये चारों को पढ़ें। और जो कैवल्य उन्होंने लिखा है कि आखिर में कैवल्य होता क्या है, और तब ये
जो परिभाषा उन्होंने दिया, कैवल्य की जो परिभाषा दिया वो हम आपको वो आगे बताएं। उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ शून्यानाम, जब पुरुषार्थ शून्य हो जाए, कुछ करना न पड़े आपको, वाह यही सब चाहते हैं जितने भी आलसी लोग हैं, या वैसे भी लोग जब काम करते करते थक जाते हैं, कुछ न करना पड़े। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वह चिति शक्ति रित, यही जो है अंतिम सूत्र है कि कुछ भी नहीं करना धरना है, वहां बस बैठे हैं आप निश्चिंत हो गए, आप निश्चिंत हो गए, आप समझ गए कि सत्य ये है, ये हम स्वरूप में स्थित हैं, यहाँ कुछ करना धरना नहीं है, बिना कहीं किए धीरे सब हो रहा है। लेकिन उसके पहले इतना आपको करना होगा कि क्रिया योग जो बताया गया है उसके द्वारा आपको आप शरीर को और मन को, शरीर को शांत स्थिर, मन को शांत निर्मल रख करके और आगे उस दिशा में अपनी अपनी सोच के अनुसार आपको प्रयास करना होगा। महापुरुषों को सुनिए, अब उनके सिद्धांतों को सुनने के बाद आप योग की इस कसौटी को आप देखिए, क्योंकि वो चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, जितने योग हैं सबका जो मार्ग रास्ता है, मार्ग है, वो यहीं से होकर के जाता है। जो ये अष्टांग योग जो है इसी से होकर के जाता है और कहीं अन्यथा से नहीं जाता। इस योग की परिभाषा से भी आ जाता है कि आपका मन आ जाए, चित्त आपका स्थिर हो जाए, तो आप दृष्टा तो वहां स्थित होता ही है वो अपने आप, लेकिन यही है कि आपका किसी ढंग से चित्त स्थित हो जाए, या हम तो कहते हैं कि जब तक आपका चित्त और मन है तब तक तो दृष्टा का आपको नहीं समझ पाएंगे। आज जब ऐसी अवस्था में आप समझते हैं तो चूंकि उसको बताना बड़ा कठिन होता है, उसको बताना बहुत कठिन होता है कि आखिर में दृष्टा है कैसे, इसीलिए परमात्मा कोई आज तक बता नहीं सका है। कैसे आप बताएंगे जब मन आपका वहां लीन हो जाएगा, तो कैसे आप बता पाएंगे? जैसे आप सोचेंगे उसके विषय में मन आपका लीन हो गया, मन के लीन होने में कोई व्यक्ति संभव है नहीं। इसलिए लोगों के कहने के तरीके बदल गए हैं, ढंग बदल गए हैं, इसलिए तमाम वाद आ गए हैं, तमाम उसमें संप्रदाय आ गए, तमाम मत आ गए। और सत्य एक ही है कि वह परम तत्व है, जो इस अंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, वही चेतना हर जगह है, चेतना 50 के नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा अभिभक्तम च भूतेषु विभक्त में उत्तिष्ठत, मैं अभिभक्त हूँ लेकिन प्राणियों में जो है वो विभक्ति की तरह समझ, विभक्त होकर के बैठा हूँ, ऐसा समझ में आता है। तो ऐसा समझ में आता है किसको? उनको नहीं कहा, कहा लोगों को समझ में आता है। अब मैं जहां तक कह रहा हूँ हमें ऐसे योग की जरूरत नहीं है कि आप वहां नाक दबा करके बैठ जाएं और आप अपने जीवन में और कुछ न करें, आपको व्यवहारिक जीवन में सब चीजें करना है। हम तो उस योग को चाहते हैं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि माँ मनुस्परम युद्ध चय, देखो ऐसा योग है, मेरा स्मरण भी करो युद्ध भी करो, ये ऐसा योग कुछ चाहिए। तो ऐसा योग पतंजल ने दिया, ये भाई प्रतिदिन के जीवन में करते रहो और जिस काम में आप लगे हैं, जिस जो गुण आपके पास है, जो हुनर है, उसको भी आप उससे इस रास्ते में लगे रहिए। लेकिन वो कर्म योग नहीं हो जाएगा, कोल्हू के बल की तेला कर्म करते रहना कोई, वो कर्म नहीं हो जाता है। जब तक जो है भगवान को आप समर्पित नहीं करेंगे, वो सारे करे जो कर्म धर्म मन वाणी वासुदेव अर्पित निपियानी, जो भी कर्म धर्म हो सब भगवान को आपको करना पड़ेगा। वो तब करेंगे तो कर्म भी अच्छा होगा, क्योंकि आप भगवान की उत्सव कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं यही कहना चाहूंगा कि पतंजलि का जो ये योग दर्शन है, ये हमारी हमारा जो जो ये लोक, इस लोक में जो हमारा रहना है उसके लिए भी सार्थक है, परलोक के लिए। तो अब परलोक की बात तो मैं नहीं कर सकता, परलोक क्या होता होगा, जिसको इस लोक में स्वर्ग नहीं मिल सकता, जिसको इस लोक में शांति और स्वरूप बोध नहीं हो सकता, इस लोक में जिसको मुक्ति नहीं हो सकती, तो मरने के बाद कुछ नहीं होती होगी। यही पतंजलि ने आगे बताया है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, जो होता है जीते जी होता है, इसी समय में आप पर लो, यही उन्होंने बताया है। मरने के बाद कोई मुक्ति का वह कांसेप्ट नहीं है, क्योंकि बंधन जब तक आप जीवित हैं तभी तक है, और इस बंधन से ही मुक्ति आपको चाहिए। और उसको वैसे बात तो आदमी क्या होता है, जब साक्षी मिट जाएगा तो साक्षी का क्या महत्व रह जाता है? तो जब तक साक्ष्य है तभी तक साक्षी को आप समझ लो, अपने स्वरूप को आप समझ लो, यही इस दर्शन का मतलब है। और हे तो हान हान हो पाए, ये इस माध्यम से जो है पतंजलि का जो योग दर्शन है
ये जो बताया गया है इसका हम अनुकरण करें, क्रिया योग हमारे नित्य जीवन में हो, और फिर उसके बाद तो ज्ञान और उपासना एक बार कर्म सही हो जाए ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और उसके पहले मैं ये राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग और योग, विशेषकर राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग, मैं ये बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, और मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान करें कि यह आप लोगों के ये संयोजकत्व में यह विभाग जो है अपनी ऊंचाइयों को छुए, और छुएगा, छू रहा है। बड़ा अनोखा कार्यक्रम आपने ये किया है, जो विभाग सफर करते ही रहता है और राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग कर रहा है, ये मुझे लिए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं सभी राष्ट्रीय सेवा योजना के जितने भी कार्यक्रम अधिकारी है, मुख्य कार्यक्रम अधिकारी चाहे वो दिलीप जी हो, और कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नीतू तिवारी में, डॉक्टर आनंद जी, डॉक्टर सरदेव जी, सबको मैं बहुत बहुत जो है बधाई देता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद इसी के नाम। जी सर, डन। आपकी आवाज नहीं आ रही पर दोस्त। आ रही है सर। हाँ, तो मैं कह रहा था सर कि ये आपने जो अभी हम हमारे सारे प्रतिभागियों को एनएसएस के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने अभी तक पिछले वर्ष तक सर के जो भी जुड़े थे एनएसएस से, जो भी प्रतिभागी हमारे छात्र, उन्होंने सर का लाभ उस समय लिया, लेकिन अब वक्ता के रूप में हमारे बच्चों को जिस प्रकार से सर के ज्ञान का लाभ मिल रहा है, मैं निश्चित रूप से सर को धन्यवाद करता हूं। और सर, ये एनएसएस विभाग तो आपकी धरोहर है, आपकी ही नकल करके हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग आपके मार्गदर्शन में ही हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जो आज का आपका विषय था योग एवं जीवन दर्शन और सांख्य दर्शन पर आधारित पतंजलि योग दर्शन को जो आपने बताया, निश्चित रूप से जो मैं इसका सार समझ सका कि हाँ, कोई ना कोई चेतना है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, जिसको हम अवचेतन अवस्था समझते हैं, उस समय भी कोई ना कोई चेतना है जो हमारे साथ में हमेशा रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे प्रतिभागी छात्र और सभी सहयोगी बंधु आपके इस ज्ञानपूर्ण वक्तव्य से लाभान्वित हुए, और मैं पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए और सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा कि इस जो ये सप्तदिवसीय ये आयोजन है हमारा योगाभ्यास और व्याख्यानमाला का, उसमें सभी लोग प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर, देखिए आपने आज इस सत्र में देखा कितना ज्ञानपूर्ण और लाभप्रद जो होता है वक्तव्य होता है व्याख्याताओं का, तो इसको कदापि न छोड़ें। और जो हमारे दो सेशन होते हैं वो सुबह 7 से 8 पहला सेशन होता है, और द्वितीय वेला में 3:30 से 5 बजे तक का समय निर्धारित है। तो अधिक से अधिक संख्या में सभी इन 7 दिनों में और सम्मिलित हों और ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, योग क्या है इसको जानें, इसको अपने जीवन में उतारें। और इस कार्यक्रम के अवसान के अवसर पर मैं ये निवेदन करूंगा कि कल पुनः चतुर्थ दिवस में हम सभी एकत्रित होंगे सुबह के 7 बजे, और कल फिर कोई नए वक्ता, नया विद्वान हम सभी को अपनी व्याख्यान से लाभान्वित करेंगे। और इसलिए मैं अब पुनः एक बार निवेदन करते हुए कि हम सभी सुबह 7 बजे कल चतुर्थ दिवस में उपस्थित हों, इसी आशा के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस अवसान, तृतीय दिवस के अवसान पर। बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो। प्रोड्यूसर लेफ्ट हो गए, आप धन्यवाद आभार प्रस्तुत करने मैडम। अच्छा, नहीं प्रद्योत जी, ठीक है। नमस्ते। नमो राघवाय। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश द्वारा योग विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वित प्रयासों द्वारा सप्तम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर 7 दिवसीय व्याख्यान माला व योगाभ्यास कार्यक्रम दिनांक 15 जून 2021 से 21 जून 2021 के मध्य क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तृतीय दिवस दिनांक 17 जून 2021 को मैं डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। आज की व्याख्यान माला में विद्वत जनों का धन्यवाद व आभार ज्ञापन का कार्य मुझे सौंपा गया है। सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के संपोषक सम्मानित कुलाधिपति जी, हम सबके गुरु जी के चरणों में मैं पुष्प समर्पित करती हूँ, जिनके आशीर्वाद से विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न होते हैं। वे हमेशा हम सभी को कार्यक्रम करने के लिए कहते हैं, उनके प्रति मैं भी धन्यवाद आभार ज्ञापित करती हूँ। साथ ही गुरु जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर योगेश चंद दुबे सर का धन्यवाद आभार ज्ञापित करती हूँ। सर को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और आभार ज्ञापन की श्रृंखला में मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर महेंद्र कुमार उपाध्याय सर का भी मैं धन्यवाद व आभार ज्ञापित करती हूँ। आभार ज्ञापित करती हूँ मैं विश्वविद्यालय के वित्तीय अधिकारी रमापति मिश्र जी का आभार ज्ञापित करती हूँ। आभार ज्ञापित करती हूँ मैं आज की व्याख्यान माला के विद्वान डॉक्टर जो जिन्होंने अभी इस सत्र में व्याख्यान माला में डॉक्टर जेपी सिंह जो फिजिशियन है क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सुल्तानपुर से, सर का परिचय जो स्टार्टिंग में ही पूरा दे दिया गया है। सर का आज जो योग का विभाग का ये राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधार द्वारा जो व्याख्यान माला रहा, उसमें उनका मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हुए अपने सर जो अपने फील्ड में जाने माने विद्वान हैं, उनका व्याख्यान का जो विषय है व्यवहारिक जीवन में योग, व्यवहारिक जीवन में योग पर सर का जो विस्तार से व्याख्यान उन्होंने बताया हम सभी को, उन्होंने ज्यादातर अरविंद के बातों को रखा, श्री अरविंद के और भगवती सिद्ध की साधना, भगवती सिद्ध ही साधना है, साधना ही साधन है, परमात्मा और परमात्मा क्या है, सर्वशक्ति सर्वमान ये सभी मापदंड को लेना है। ये सभी कार्य ईश्वर की और शक्ति के द्वारा ही, भगवान की ही देन है। हम क्या क्यों करें क्या करें, ये सभी हमें शक्ति से ही यह प्राप्त होता है। उन्होंने अरविंद के द्वारा उनकी पुस्तक पर भी माता की बातों को कहा है। उन्होंने कहा कि वह तीन तरीके का उन्होंने बताया, अभी अभी अभिशा अभिशा ज्ञान त्याग क्या है या समर्पण, यह तीन उन्होंने उसको विस्तार में उसे प्रस्तुत किया और बताया कि हाँ वेद में वेदांत में अंतःकरण चार मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमें हमेशा अहंकार को त्याग करना चाहिए। यदि अंदर से क्रोध हो तो क्रोध को अपने अंदर संयम रखे, तो ये संयम ही योग है। उन्होंने संयम को भी बताया। उन्होंने उदाहरण में कहा कि अगर हम स्वच्छ हैं और ईश्वर की जिस तरीके से जल शुद्ध और पानी का जल होता है और सूरज को प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्य के भी हम अपने अंतःकरण से गंदगियों को दूर कर उन्हें दूर कर जल व सूरज की तरह प्रकाशित हों, अतः ऐसा हो जाए तो समर्पण की भावना हो जाए तो हमें देवी की शक्ति की तरह प्रकाशवान बन जाए। कहने का तात्पर्य उनका यही है कि सर ने योग को देवी शक्ति व समर्पण को जोड़ने तथा स्वस्थ जीवन में मन की स्वस्थ रखने की श्रेष्ठता को कहा है। तो अरविंद के विचारों को उन्होंने ज्यादातर और पतंजलि का भी उन्होंने लिया, पतंजलि पर भी उन्होंने बताया योग सारा जीवन है। उन्होंने एक कहानी भी बताया जैसे ब्राह्मण का उन्होंने किस तरीके से देवी से मांगा पुत्र, और ये भी उन्होंने बताया, एक अंदर बाहर का घर दोनों का भी उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने भगवान गीता गीता का भी श्लोक के द्वारा भी बताने का प्रयास किया।
अर्जुन की बात कही। भगवान गीता में अध्याय के 48वें में कहा भी गया है कि अभ्यास कैसे करें। इसमें भगवान ने संयोग को योग कहा है, वियोग को योग नहीं कहा है। उन्होंने एक कटहल का भी उदाहरण दिया कि किस तरीके से कटहल काटते समय उसके जो दूध होते हैं हाथ में चिपक जाते हैं, और सरसों के तेल लगाने के बाद। बंदर का और बिल्ली का भी उदाहरण दिया। तो कहने का तात्पर्य सर का यही है कि जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमें आध्यात्मिक शक्ति का पर विश्वास होने लगता है, यानी शक्ति हमारे और हम आध्यात्मिक। ये शक्ति कोई ऐसी है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम उससे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा मन भी है, और मन को भी हमें स्वस्थ रखने के लिए अपने मन के अंदर की और गंदगियों को दूर करना चाहिए। सर का व्याख्यान बड़ा ही सराहनीय रहा, बहुत ही अच्छा व्याख्यान रहा सर का, और इससे हमारे विश्वविद्यालय और YouTube से जुड़े हुए अन्य और भी लोग जो हैं उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर का, और मैं तहे दिल से सर का धन्यवाद और आभार ज्ञापित करती हूँ। उसके बाद दूसरे व्याख्यान माला में विश्वविद्यालय के डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जिनका व्याख्यान का विषय रहा योग एवं जीवन दर्शन। सर ने अपने व्याख्यान में योग को महर्षि पतंजलि के द्वारा अपनी बातों को रखा, जीवन दर्शन को भारतीय दर्शन के प्रतिपाद में जीवन दर्शन को चार बताया, दुख, दुख का कारण, दुख निवृत्त और दुख के कारण निवृत्त। ये चार उन्होंने कहा कि ये योग की एक ऐसा विज्ञान है जो सभी के सर्वभौम में, यानी सभी में पाया जाता है। तो इसमें उन्होंने मुख्य तीन चेतन व तत्व, शांत दर्शन, हिरण, इस तरीके का उदाहरण देते हुए उन्होंने अपने पतंजलि महर्षि में पाया कि योग को वैज्ञानिक आधार प्राप्त है। उसमें उन्होंने अपने समझ को यदि बदल सकते हैं तो जीवन का जो क्रम है उसे हमें बदलना चाहिए। तो यह और इस प्रकार पतंजलि में उन्होंने समाधि पात्र से योग से शुरू किया। चेतना का कोई ना कोई भाग है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने अपने व्याख्यान में महर्षि पतंजलि की बातों का विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया, विस्तार से उसको प्रस्तुत किया। कहा जाए कि जब हम विज्ञान व चित्त व मन को सही ढंग से उसका उपयोग नहीं करते तो वह सही नहीं है। यह तभी जब प्राणायाम के माध्यम से बताया है। प्राणायाम के कई तरह होते हैं, जब शरीर के मन व चित्त को बताया तो यह उन्होंने इस तरीके से अपने बातों को रखा। इस प्रकार कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सर का जो व्याख्यान रहा यह बहुत ही अच्छा व्याख्यान उन्होंने अपने माध्यम से प्रस्तुत किया। इस शशिकांत सर का भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने अपना यह व्याख्यान, क्योंकि वह देखिए अंग्रेजी के हैं लेकिन उन्होंने अलग अलग विषयों का भी उनके पास ज्ञान है। सर बहुत ही, हम जब से उन्हें जान रहे हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, सर हर कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उस कार्य को बहुत ही बखूबी निभाने का भी प्रयास करते हैं। सर बहुत ही मन लगाकर किसी भी कार्य में अपना, हम भी उनके साथ एनएसएस में रहे हैं, सर का देखें, सर बहुत ही अच्छा कार्य का है और इनका व्याख्यान भी बच्चों को बहुत लाभ देगा। और जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनको भी, सर को भी मैं धन्यवाद आभार ज्ञापित करती हूँ, उन्होंने अपना यह व्याख्यान प्रस्तुत किया। इसके बाद मैं विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, अन्य और जो छात्र छात्राएं, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी और योग विभाग के सभी को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, जो इन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि हाँ मैं भी इस YouTube के माध्यम से जुड़कर और विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में शामिल हो और आभार ज्ञापन का अवसर प्राप्त हुआ। थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो सर ने बताया या अन्य और लोगों के द्वारा बताया गया है उसके आधार पर देखा जाए तो भारत पहली परंपराओं के आधार पर भारत एक कृषि प्रधान देश रहा, और कृषि प्रधान देश होने के नाते और औद्योगिक विकास के पूर्व जो हमारा उद्योग धंधों का विकास उद्योग से हुआ नहीं था, और भारतीय परंपरा संयुक्त परिवार की थी उस समय, जब साधु संत सन्यासी या जिस तरीके के महर्षि आसन या प्राणायाम के द्वारा यौगिक क्रियाएं करते थे उसमें खेती, किसान, मजदूर
और महिलाएं घर में जैसे चक्की कढ़ाई कूटने का कार्य मुसल के द्वारा जो होता था ओखल में, ये सब कार्य करती थी। ये इससे ही उनका मन शारीरिक और मानसिक चेतना जो थी एकदम स्थिर रहती थी, उन्हें किसी अन्य और कार्य। लेकिन आज का जो आधुनिक युग है जिसमें हम जी रहे हैं, आज बड़ा ही तनाव का जीवन है। इसके लिए अब पहले का जो परंपरा है संयुक्त परिवार भी नहीं है, वहां हमें मनोरंजन के साधन भी हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे। उस समय क्या, अब हम इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन का साधन के द्वारा हम अपने मन को चित्त को शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह उससे नहीं होता। तो हम थोड़ा सा आपको योग के उसमें बता रहे हैं कि शरीर मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग हमारा मदद करता है, और शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है तथा तनाव और चिंता का प्रबंध करने में भी सहायता करता है। तो योग आसन शक्ति शरीर में लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो योग का जीवन में बहुत महत्व है। योग शब्द एक आध्यात्मिक शब्द है, परंतु योग एक धर्म नहीं है। यह जीवन जीने का एक तरीका है जिसका एक ही उद्देश्य है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। मनुष्य एक शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक प्राणी है। योग के माध्यम से शरीर और मन में सामंजस्य स्थापित होता है। योग का जो शाब्दिक अर्थ अभी तमाम विद्वानों ने बताया उसमें होता है कि जुड़ना, यानी हमारा जुड़ाव ब्रह्मांड से होना। अगर व्यवहारिक तौर पर कहा जाए तो योग शरीर मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। तो योग की अलग अलग मुद्राओं से अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। तो कहा जाता है कि योग का जन्म प्राचीन काल में भारत में हुआ था और आज योग विदेशों तक पहुंच गया। दिन प्रतिदिन योग का महत्व बढ़ता जा रहा है, जिसे 6 वर्षों से योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका यह 7वां वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में विश्वविद्यालय की तरफ से 7 दिवसीय योगाभ्यास व व्याख्यान माला का आयोजन रखा गया, जिसमें विद्वत जनों के व्याख्यान से इसके बारे में गहराई से जाना जा सके। बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं योग विभाग व राष्ट्रीय सेवा योजना तथा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए इस अवसर का लाभ YouTube के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने पर बड़ा ही अच्छा कार्य है, बहुत ही अच्छा माध्यम है। उन्हें धन्यवाद व आभार ज्ञापित करती हूँ जो यह अवसर रहा दिए लोगों तक पहुंचाने का। साथ ही मैं उस विभाग को धन्यवाद करती हूँ जो मुझे भी इसमें भाग लेने वह कार्य करने तथा का अवसर दिया। धन्यवाद धन्यवाद सर।